सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ एडी एक्वेटिक्स के नए स्टोर में जो ठाणे ईस्ट में है, और ये ठाणे ईस्ट से वॉकिंग 3 to 5 मिनट्स है। सो ये एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये होंडा का सर्विस सेंटर है, उसके बाजू में ही है ये। सो जैसे आप एंटर करोगे तो आपको ये लेफ्ट साइड में पूरा ड्रिफ्ट फूड और रॉक्स का पूरा ये सेक्शन दिखेगा, और टैंक्स है यहाँ पे बहुत से, बीटास का एक सेक्शन है ये सामने। फिर राइट साइड में आपको ये पूरा डॉग्स और कैट फूड है, और नीचे अमेजिंग से ड्रिप फूड्स है। फिर सामने ये पूरा फिश का स्टॉक है। सो ये सब आज मैं आपको दिखाऊंगा, और वीडियो के एंड तक आप बने रहिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ के ओनर से बात करते हैं, आत्मा सर से। हाय आत्मा सर। हाय। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके ये नए न्यू स्टोर्स के लिए। राइट, थैंक यू। बहुत ही बड़ा स्टोर है ये, अंदाजा कितना स्क्वायर फीट का रहेगा? ये अराउंड 800 स्क्वायर फीट का है। ओके, तो दिस टाइम वी हैव मूव्ड टू सम बिगर स्पेस। इसका कारण ये है कि मुझे बहुत सी स्पेस कम पड़ रही थी वहाँ पे, बहुत सी चीजें जो मैं कस्टमर्स को दिखाना चाह रहा था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो दिस टाइम वी हैव गॉट सम बिग स्पेस, बहुत सी चीजें नहीं आई है, बहुत सी चीजें जो थी जो दिख नहीं रही थी अभी दिख रही है। हाँ। जो मेरे पास बहुत से ब्रांड्स थे वो भी दिख नहीं रहे थे, वो अभी सिस्टमेटिकली अरेंज हो गए, मैनेज्ड हो गए बोल सकते हैं। तो दैट्स द रीजन हम लोग ने मूव किया है। सो अभी स्टॉक भी बहुत ज्यादा है फिशेस का। हाँ। बहुत वैरायटी आई है। सो वी हैव जस्ट नाउ स्टार्टेड ऑन द 1st of October 2023, तो इसलिए अभी और स्टॉक आना है। बट राइट नाउ ऑल्सो वी हैव अराउंड 80 वराइटीज इन 80 एक्वेटिक्स। तो हम दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप व्हाट ऑल इज देयर इन ड्राई सेक्शन एज वेल एज ऑल द हार्डस्केप, सॉफ्टस्केप, उसके बाद में सैंड, सबस्ट्रेट, एवरीथिंग आई विल बी शोइंग यू इन दिस वीडियो। जस्ट कीप ऑन वाचिंग। एक पूछना चाहूंगा कि ये स्टोर का अभी टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग वुड बी सेम लाइक अभी ओपन एट 9 AM इन द मॉर्निंग एंड वी क्लोज बाय 11 PM। Okay. तो रात को 11 बजे तक चालू रहते हैं, बट ऑन मंडे वी क्लोज बाय 4 PM। तो जो मेरे गूगल मैप पे जो टाइमिंग अपडेटेड है दैट इज राइट, मतलब कोई अनअटेंडेड नहीं है, आई अटेंड इट रेगुलरली। तो गूगल मैप पे भी जो मैसेज करते हैं आई रिप्लाई देम द टाइमिंग्स एज वेल एज कोई इंक्वायरी या क्वेरी रहेगा तो अबाउट मेनी फिशेज, तो वैसा है। तो गूगल मैप पे पूरा अपडेटेड है। तो 9 to 11 इज आवर वर्किंग आवर, कंटिन्यूअस रहता है, दोपहर को बंद वाला सिस्टम नहीं है। You can come, visit, call and... और एक है कि अच्छा है कि वॉकिंग डिस्टेंस है, मुझे बस 3 to 4 मिनट्स लगे स्टेशन से आने को उतर के ईस्ट साइड में, और भी नजदीक हो गया स्टेशन से। या अभी ये स्टेशन से और नजदीक हो गया, इट्स अराउंड 2 मिनट्स वॉकिंग पे है। अगर आप आओगे, आप स्टेशन से उतर के अगर कल्याण के डायरेक्शन की तरफ आते रहोगे तो आपको राइट साइड के लेन में आपको 80 एक्वेटिक्स दिख जाएगा, जो होंडा सर्विस सेंटर के बगल में ही है। या और गूगल मैप पे भी लोकेशन डाला हुआ या, है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा आपसे लोकेशन। सो चलिए फिर अपन एक एक फिश स्टॉक्स अच्छे अच्छे देखते हैं। सो ये पूरा ऐसा इनका ये शॉप दिखता है, मैं एक साइड से आपको बता देता हूँ। सब पूरा ये सामने टैंक्स का सेक्शन है, और वो साइड में फूड का सेक्शन है, वो ड्रिप फूड से वहाँ से एंट्रेंस है, और ये पूरा यहाँ पे और भी टैंक्स है यहाँ पे, और ये सब एसेसरीज वाला सेक्शन है। सो ऐसा ये न्यू स्टोर है 80 एक्वेटिक्स का। सो ये देखिए, ये सब 4 फीट के टैंक्स है, और इनमें इन्होंने सब फिशेस रखे हुए, ये सब बड़े साइज के हैं। इसमें डेनिसन बाब्स है और शॉर्ट टेल्स है, राइट? राइट। तो ये ट्रेंजलिन है जो रेड कलर में दिख रहे हैं, अराउंड 2 इंच, तो काफी बड़ी साइज है। हाँ, एकदम ब्रीडिंग साइज बोल सकते हैं, तो कुछ बड़े भी है उसमें, मतलब 2.5-3 इंच तक भी जा। राइट, जिनको स्पाइक है वो मेल्स है, मेल्स है, या जिनको नहीं है वो फीमेल्स है, तो बोथ वैरायटीज अवेलेबल। उसके बाद में जो रोल होते हुए दिख रहे हैं स्कूलिंग में, दोज आर फेमस डेनासोनी बार्ब। तो ये स्कूलिंग फिश है, हमेशा ग्रुप में आप देख रहे होंगे कि ग्रुप में ही तैरते रहते हैं। ये भी कुछ 3 इंचेस से रहेंगे साइज। या दिस आर 3.5 इंचेस, अच्छे से घूम रहे हैं। एंड द प्लांट इन द टैंक इज जावा फन। जावा फन में नैरो लीफ का वैरायटी रहता है, वो वाला है ये। ओके ओके, सो अच्छा खासा पॉट वाइज ये है स्टॉक यहाँ पे, प्लांट्स का भी बहुत से प्लांट्स अवेलेबल है ना अभी। या अनुबियाज एंड जो हाई टेक में, मतलब लो टेक में प्लांट्स है वो सब अवेलेबल है इम्पोर्ट्स में। ओके ओके, तो जावा पन के पॉट्स पे अभी मेरे पास ऑफर चल रहा है। हाँ। तो पर पॉट आपको 200 रुपीज में मिल जाएगा। अच्छा, ये जो पॉट्स है, राइट, और उसमें एक 6 से 7 राइजो में। हाँ।
नॉर्मल रेट रहता है कि पर राइजोम को 200 रुपए का रेट रहता है, तो दिस टाइम 6 राइजोम आपको 200 रुपए में मिल रहे हैं। हाँ। तो जल्दी से जल्दी आना, लिमिटेड पॉट बचे हुए हैं बिकॉज ऑफर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब मैं अपने क्लाइंट्स में ऑलरेडी शेयर किया था, तो लोगों ने तीन तीन चार चार पॉट ले चुके हैं। अभी कुछ ऐसे मेरे को 7-8 पॉट्स ही दिख रहे, ज्यादा नहीं है, तो जल्दी से आप विजिट करके ले लीजिए, क्योंकि एकदम अच्छा कलरेशन भी है इनका, आप देख सकते हैं ये। और ये कैसे रहेंगे जो टैंजेरिन्स है इनका? टैंजेरिन आपको मिल जाएगा 150 रुपीस पैर। अच्छा, काफी बड़ा साइज है। और जो डेनासानी आपको मिल जाएंगे 250 रुपीस पैर। ओके। और जो ये वाइट मोनटेल मॉलीज है, ये 80 रुपीस में पैर मिल जाएगा। ये भी एक नई वैरायटी है, थोड़े वेल टेल में मून टेल आए है, या तो ये भी बहुत यूनिक दिखते है, बहुत लोगों ने परचेस किए है और अच्छे उनका है, मतलब दे आर नॉट दैट एग्रेसिव जो नॉर्मल मॉली रहता है। या, और ये भी अराउंड 2 इंचेस के सब साइज, राइट? तो अच्छा खासा ये पूरा फिशस्टॉक्स है यहाँ पे, और भी बहुत फिशस्टॉक्स है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और नीचे ये सब सिकलेट्स है, राइट? या ये मलावी सिकलेट्स, जो हमारे फेमस मलावी सिकलेट्स बहुत लोगों की फेवरेट चीज है। ये भी अराउंड 2.5-3 इंचेस के साइज में है, राइट? और इसमें बार्ब्स है कुछ, राइट? फिलामेंटस बार्ब है और सिकलेट्स है। सिकलेट्स में आपको रेट में आ जाएंगे 150 रुपीस पैर। 150 पैर, okay. और अगर डजन लेते हो तो बहुत कम रेट में आ जाएंगे। ओके ओके। तो क्योंकि और सब एक्टिव है, ऑल अराउंड ड्राई फीड, कोई ऐसा ये नहीं है, एंड कलर्स आर आल्सो रियली गुड। ओके। और फिलामेंटस बार्ब जो ये 3-3.5 इंच का जो देख रहा हूँ, एक ये पैर आपको मिल जाएगा 300 रुपीस पैर। ओके, 300 रुपीस पैर। ये देखिए, बहुत ही यूनिक कलर है इसका भी। और बड़े साइज के एक पैर है डॉलर का, सिल्वर डॉलर्स का, कुछ अराउंड वो भी 3.5-4 इंच का है, उनका कैसा रहेगा? वो आपको मिल जाएगा 150 रुपीस ईच। अच्छा, 150 रुपीस ईच है वो। ओके ओके। ये देखिए, दो है अभी फिलहाल, और एक फायर माउथ सिकलेट भी है। ये देखिए, ये भी कुछ 3 इंचेस का रहेगा, राइट? इसका कैसा रहेगा अंदाजा? ये आपको मिल जाएगा एक 100 रुपीज ईच। अच्छा, तो ये भी इनको बड़े टैंक में रखा हुआ है, अच्छा खासा स्टॉक है सिक्रेट्स का, यार बहुत ही एक्टिव है। और यहाँ पे गोल्डन पल अरवाना एक है जो अराउंड 6-7 इंच रहेगा, राइट? 6-7 इंच का है ये, एंड पीकॉक बास है इसमें। पीकॉक बास का वैरायटी जो लोग पूछते हैं, दैट इज स्पाइडर किलबेरी। ओके। और अच्छा, देन एक्टिव एकदम, हाइपर एक्टिव। या ये एक्टिव है, कोई डरे हुए नहीं है, बिकॉज 2 पीसेस आर लेफ्ट, अराउंड 10 पीसेस आए थे। अच्छा, तो इन 3 डेज 8 पीस सोल्ड आउट हो गए, बिकॉज आई एम हैज एन ओपनिंग ऑफ द शॉप, मैं बहुत सी फिशेस ऑफर रेट्स में दे रहा हूँ। okay. जो कभी नहीं आपको वो रेट में मिल रहे, तो दैट्स द रीजन आप बेटर रहेगा आप विजिट करोगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं आपको ऑफर्स बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर बिल एज वेल एज आपको क्या क्या लेना है। वंस यू कम हियर ना, तो आपको क्या क्या लेना है, आपका लिस्ट बढ़ेगा, तो आपको मैं बहुत अच्छी ऑफर दे मिल सकता है। और अच्छा खासा आपको एक्सेसरीज भी देखने मिलेंगे नए नए, और इसमें कैटफिश भी है, राइट? या दोज आर रेड टेल कैटफिश। या, और पैरट फिशेस है, ये देखिए, ये सब रहेंगे 2.5-3 इंचेस के है पैरट फिशेस। और ये पीकॉक बास का कैसा रहेगा प्राइस? पीकॉक बास आपको मिल जाएंगे 1800 रुपीस पैर, 900 रुपीस ईच। ओके, ये भी बहुत अच्छा रेट है, क्योंकि सेम साइज के पीकॉक बास आपको मिल जाते हैं अराउंड 1200 ईच। या, और अच्छा कलरेशन भी दिख रहा है अभी, 3.5-4 इंच के बीच में साइज है इनका। या, उनके रेड फिन्स भी हो चुके हैं, बॉटम का गिल्स भी रेड हो चुके हैं, तो दे आर शोइंग अमेजिंग कलर और स्ट्रेस में नहीं है, ऑल आर गोइंग अराउंड, क्योंकि अभी ये सब 100% न्यू वाटर है, फिर भी मैंने अच्छी तरह सेट किया है, कोई भी फिश स्ट्रगल नहीं कर रहा है टू सेट। या, और पैरेट फिशेस का कैसा रहेगा प्राइस? ये पैरेट 600 रुपीस पैर। अच्छा, ओनली रेड पैरेट्स आर अवेलेबल नाउ, येलो पैरेट्स आने वाले हैं, मे बी जब तक ये वीडियो आएगा आपको येलो पैरेट्स भी मिल जाएंगे, जो 700 पैर में आ जाएंगे। ओके ओके। और गोल्डन पल अरवाना है, वो गोल्डन पल अरवाना आपको मिल जाएगा 6500 में। अच्छा, ऑलमोस्ट ये 6-7 इंचेस का साइज है और एक्टिव है एकदम, ये देखिए। और रेड टेल कैटफिश, रेड टेल कैटफिश आपको मिल जाएगा 500 रुपीस पैर। 500 पैर, ओके। सो ये देखिए यहाँ पे है वो, और फिलहाल ये कुछ अराउंड 3.5 इंचेस की रहेगी ये भी, राइट? सो काफी आपको अच्छा खासा स्टॉक है यहाँ पे। और जिनको अरवानाज और पीकॉक बास जो लेना है तो एक साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब अभी एक टैंक में सेट भी हो गए, राइट? सो पैरट फिशेस भी या तो एक साथ ले सकते हो। सो
यहाँ पे ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, पूरा फूड सेक्शन भी है एक, ये छोटा सा यहाँ पे बहुत बड़ा और एक साइड में है, और ये सब बीटास है यहाँ पे। तो नीचे मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे सब रैम्स हैं, और ये इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स है पर ये बड़े साइज में एकदम। मैं आपको बोल दूँ ये साइज रहेगा कुछ अराउंड 2.5 inches के साइज है इनके, और एकदम हेल्दी और कलरफुल इनका बॉडी टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, और कुछ इसमें व्हेल टेल्स भी है शायद ना। राइट, तो ये व्हेल टेल स्पेशलिटी से ही आए हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक ब्लू विथ व्हेल टेल, तो ये भी बहुत रेयर है फिशेस, मेरी कभी आए नहीं है मोस्टली। हाँ, तो दिस आर द वैरायटीज जो लोग ढूंढते रहते हैं फॉर द साइज। तो अभी इनकी साइज देख सकते हो आप, विदाउट फिल्टर ये ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल हु हैव बॉट फ्रॉम मी, उन्होंने मुझे फोन करके बोला है कि द क्वालिटी इज अमेजिंग। तो आपको ये इतना गारंटी देता हूँ, इनका क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगा। और यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स भी है। ये अनुबियास जावाफन, अनुबियास नाना, और आप फिल्टर भी दे सकते हो, ये डबल स्पंज फिल्टर जो वॉल माउंट होता है। हाँ, वो वाली वैरायटी का है विच इज कनेक्टेड टू एरिएशन। तो अगर आपको विदाउट ऑक्सीजन वाला एयर पंप लगा के वाला चाहिए तो वो वाला भी हमारे पास अवेलेबल है विच कम्स विद मोटर, जो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। ओके ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स है इनका कैसा है प्राइस? ये आपको 800 rupees पेयर में आएंगे। अच्छा, बिकॉज ऑफ साइज एंड व्हील टेल वैरायटी, ये अराउंड 2.5 टू 3 के बीच में है ये। राइट, और रिमेनिंग देयर आर सम बोस्मानी रेनबो ऑफ बिगर साइज, उसके बाद में देयर आर ब्लू टर्कोइज रेनबो, या देयर आर बलून रेड रेनबो। बलून रेड रेनबो ये भी एक यूनिक वैरायटी है जो अभी नई नई इंट्रोड्यूस हुई है हॉबी में। इनका कैसा रहेगा? बलून रेड रेनबो आपको 450 rupees पेयर में आ जाएंगे, और ये जो ब्लू रेनबो है, ब्लू टर्कोइज रेनबो, आप जो 250 rupees पेयर में आ जाएंगे। ओके, एकदम अच्छा साइज है ये भी, 2.5 से 3 inch का। एंड बोस्मानी रेनबो आपको 1000 rupees पेयर में आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी साइज है। या ये भी सब 3 inches के है। राइट, और जो नॉर्मल रैम्स है वो आपको आ जाएंगे 700 rupees पेयर, वो नॉर्मल। ये भी व्हेल टेल है, एंड दिस आर न्यू वैरायटी एज पर सेंड बाय देम, रेड फेस में आते हैं ये। तो दे हैव मोर रेड ऑफ कलर नॉर्मल जर्मन ब्लू रैम्स है। ओके ओके, तो काफी ब्यूटीफुल सा रैम्स का स्टॉक है यहाँ पे। सो ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे बीटा का स्टॉक है, और राइट साइड में श्रिम्स है। सो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और यहाँ पे ये पूरे क्राउन टेल्स है सब, और ये सब रेड में है। राइट, या ब्लड रेड कलर है इनका। हाँ, एंड दिस आर क्राउन टेल, तो बहुत लोगों को बेटा फिश रेड कलर में ही पसंद आता है, तो दिस आर क्राउन टेल, और बहुत अच्छा उनका स्ट्रक्चर एंड शेप है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो हर एक बेटा फिश एक्टिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको अच्छी तरह सेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो सबका ग्लेयरिंग, सबका मूवमेंट बहुत एक्टिव है। तो दिस आर रेड ब्लड क्राउन टेल। ओके, और इनका कैसा रहेगा प्राइस? ये आपको आ जाएगा 180 rupees पर पीस। ओके, 180 rupees पर पीस। ओके, तो ये इंपोर्ट का स्टॉक है, फिर भी मैं बहुत कम रेट में निकाल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजन के ये ओपनिंग ऑफ द शॉप, न्यू शॉप, तो थोड़ा मैं डिस्काउंट ओपनिंग दे रहा हूँ। और काफी अच्छा ऑफर है, और एकदम हेल्दी स्टॉक है, और साइज भी इनका अच्छा खासा है। राइट, ये देखिए लास्ट वाला जो ये साइड में, इसका भी कलरेशन आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सब अलग अलग है, हाफ मून में है ना। राइट, हाफ मून कैंडी OHM, तो ये अब आपको जो दिख रहा है दैट इज व्हाइट, अल्फा व्हाइट हाफ मून, तो ये भी फुल मून में ही आता है, OHM में आता है, बट देन इट आल्सो व्हाइट बेटास भी बहुत लोग ढूंढते रहते हैं। हाँ, मिलता नहीं जल्दी, एंड बहुत कम क्वांटिटी में आता है, दैट्स द रीजन ये बहुत एक्टिवली सेट हो चुका है, तो ये अवेलेबल है अभी। ओके, और ये देखिए यहाँ पे ब्लू में भी है, या इलेक्ट्रिक ब्लू में है, उसके बाद में बाजू में रोज टेल में है, या ये देखिए, एंड देन और एक एक्सपेंसिव जो बेटा आता है दैट इज कैंडी OHM, या ये देखिए कैंडी को भी है। तो कैंडी OHM भी अभी लास्ट पीस बचा है, मे बी आप वीडियो देखोगे तब तक आप बुक कर सकते हो ऑन फोन और बाय विजिटिंग। और इनका कैसा रहेगा कैंडी OHM? कैंडी OHM आपको 450 rupees में आ रहा है ये बार। Okay. तो इट कम्स उससे थोड़ा महंगा आता है, तक आता है या, पर ये अभी आपको 450 में आ जाएगा। और बाकी ये वाले जो है सर, ये आपको आ जाएंगे 200 rupees ईच। ओके ओके, ये भी काफी अच्छा है ये। और नीचे ये देखिए,
डार्क ब्लू शेड में है या इसे डार्क नाइट स्केल्स भी बोलते हैं इनके, इनको रोज टेल कैटेगरी में आ जाते हैं okay. तो आप स्केल्स देख सकते हो इनके काफी डार्क रहते हैं हाँ. तो दिस इज ऑल्सो 200 रुपीज okay, ये भी अवेलेबल है हमारे पास. और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ अलग से है या दिस इज मिक्स कलर या तो ये भी कैंडी OHM में आ जाता है ओके ओके. तो दिस इज बट दिस वन इज 200 रुपीज वाला ओके. इट हैज कम मतलब नेचुरली उनका ऐसा कलर आया है. इट लुक्स लाइक कैंडी बट इट इज नॉर्मल बेटा ओके. तो इनका कैसा रहेगा प्राइस डम्बो ईयर्स का? डम्बो ईयर प्लकार्ड आपको आ जाएंगे 350 रुपीज. अच्छा 350 रुपीज ईच या ईच क्योंकि ये अभी एक यूनिक वैरायटी आई है जो प्लकार्ड में डम्बो ईयर आने लगे है. एंड ये भी बहुत अच्छा है. एंड व्हाइट अल्फा व्हाइट आपको आ जाएगा वो भी 250 रुपीज में आ जाएगा ओके ओके. क्योंकि व्हाइट ऑल्सो कम्स एक्सपेंसिव 300-350 रुपीज तक आ जाता है. बट देन एवरी बेटा आई एम गिविंग अराउंड मिनिमम आपको मैं 50 रुपीज कम कर ही रहा हूँ उससे ज्यादा ही कर रहा हूँ. बट देन हर एक वैरायटी में तो आप कैंडी प्लकार्ड भी ये बहुत सुंदर दिखने वाले फिश है एंड दे इजीली गेट सेट विद अपना कम्युनिटी टैंक. जो लोग बोलते हैं मुझे कम्युनिटी टैंक में बेटा रखना है गो फॉर डम्बो ईयर प्लकार्ड. बहुत इजीली सेट हो जाते हैं. कोई फिशेस उनके फिंस भी निप करने का टेंशन नहीं होता है एंड दे आर एग्रेसिव एंड एक्टिव एज कम्पेयर टू अदर बेटास. सो ये देखिए यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ ये बीटा का फूड है राइट? राइट. तो ये बीटा का फूड मैं फीड कर रहा हूँ. अच्छा इंटेन का ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इंटेन का जो मैं अभी रिसेंटली यूज करना चालू कर रहा हूँ. बट देन इट इज रियली गिविंग गुड रिजल्ट्स. ओके ओके. तो जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली आई ऑलवेज यूज माई सेल्फ एंड देन आई प्रिफर टू क्लाइंट्स. ओके. तो लोग ले रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो गिविंग रियली गुड यू नो से रिजल्ट. और ये मिरर क्या है? दिस इज ग्रूमिंग मिरर फॉर बेटास. ओके ओके. आप ये फ्लावर ऑन के लिए भी यूज कर सकते हो बेटा के लिए भी यूज कर सकते हो. नॉर्मली व्हाट इज ग्रूमिंग कि वो अपने आप को देख के थोड़ा ग्लेयर करता रहेगा. एंड ये टॉवर जैसा आपके टैंक में बैठ जाता है. बहुत लोगों को डर रहता है कि गिर तो नहीं जाएगा बट देन इट हैज सम बेस. बेस पे चिपका हुआ है तो देर इज नो फियर ऑफ फॉलिंग वगैरह. और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्लास से बनाया रहता है. ये टेप निकल जाएंगे. अच्छा तो इट लुक्स रियली अमेजिंग. ये आपको 350 रुपीज में आ रहा है. अच्छा और ये हाइट भी ऐसा 4 इंच तक रहेगा? या 4 इंच का हाइट है. और आप बीच में आपके बीच टैंक में रखोगे तो भी बहुत अच्छी तरह ग्लेयरिंग आ जाती है आपके फिशेस की. तो ये भी अच्छा है. और ये एक प्रोडक्ट है, ये सर्वाइवल बॉल्स है. ये बेसिकली हम लोग बॉल्स रहते हैं. इट कम्स ऐसे नॉर्मल बॉल्स दिखते हैं. ये हम लोग डालते हैं हर एक टैंक में. सो व्हाट इज यूज ऑफ दिस सर्वाइवल बॉल्स? ये बफर करते रहते हैं मिनरल्स. अच्छा. क्योंकि हमारे पानी में जब भी मिनरल्स की कमी वगैरह होती है एंड नॉर्मली बेटास हम लोग विदाउट एरिएशन रखते हैं तो एक टाइम बाद आपका ऑक्सीजन लेवल मिनरल लेवल सब कम हो जाता है. तो दिस कीप्स ऑन बफरिंग. अभी आप हर एक टैंक में देखोगे बॉल डाला हुआ है मैंने. ये देखिए. और ये एक्वेटिक रेमेडीज का है राइट? या दिस आर फ्रॉम एक्वेटिक रेमेडीज. बहुत चीप प्रोडक्ट है. मतलब मैं बोल सकता हूँ आपको बस 60 रुपीज में आपको 13 बॉल मिल जाते हैं. एंड दिस इज अमेजिंग रिजल्ट. इसलिए मैंने भी हर एक टैंक में डाला है एंड यू कैन सी ऑल माय बेटास आर मूविंग अराउंड रोलिंग अराउंड. अभी मैं आपको सब श्रिम्स दिखाऊंगा. सो फिलहाल यहाँ पे रेड चेरी श्रिम्स है ये. या दिस आर रेड चेरी श्रिम्स. ये अभी तक रेड चेरी स्ट्रीम्स काफी स्टॉक कम है अभी. आने वाला है. बट देन नाउ टू कलर्स आर अवेलेबल. लाल वाला और येलो कलर. ओके ओके. ये रेड वाले कैसे हैं? रेड वाले आपको अगर पैर लेते हैं तो 150 रुपीज पैर एंड डजन लेते हो तो 600 रुपीज डजन मिल रहे हैं. ओके. एंड इफ यू गो फॉर येलो आपको 180 रुपीज पैर मिल रहे हैं एंड डजन आपको 900 रुपीज मिल रहे हैं. 900 रुपीज डजन है. ओके राइट. ये तो काफी स्टॉक है अभी. येलो का रेड का भी आने वाला है एंड आप देखोगे फ्यूचर में. सो ये देखिए फ्रेंड्स पूरा कलरफुल टैंक है ये वीडियोस से. और ये 4 फीट बाय 18 इंच बाय 18 इंच है ये टैंक साइज. सो वैसे कस्टमाइज टैंक्स भी बना के मिल जाएंगे ना? राइट. कोई भी साइज के टैंक कोई भी स्ट्रक्चर आपको बना के मिल जाएगा. इफ यू विजिट मी प्रायर आपको 6 दिन के अंदर आपका जो भी है नया सेटअप विद एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको मेरे तरफ से डिलीवरी के साथ सेटअप होके मिल जाएगा. ओके ओके. और ये भी एक अच्छा सा लाइट है ऊपर. ये ब्लू एंड व्हाइट दोनों होएगा ना इसमें? राइट. इट हैज 3 मोड्स. ओके ओके. तो लेकिन हमारे वीडियो टेट्रा जो है वो ये लाइट में बहुत अच्छे दिखते हैं. तो अब मैं आपको वीडियो टेट्रास के बारे में बताना चाहूंगा.
अभी जो भी आ रहा है, जो भी सोच रहा है कि दिस आर इंजेक्टेड कलर, सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आप गूगल में भी करोगे तो द नेम ऑफ द फिश इज विडो टेट्रा, तो अगर आप गूगल में भी करोगे विडो टेट्राज आर इंजेक्टेड, तो आप ये देखो, मैंने आपको मैं दिखाना चाहूंगा। रीजन है कि बहुत से लोगों ने इनका, तो आर विडो टेट्राज आर्टिफिशियली कलर्ड, तो दिस फिश आर नॉट डाइड और अननेचुरली टेम्पर्ड विद, या तो ये ऐसा कुछ ये नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि इनको इंजेक्ट किया जाता है, बिकॉज पीपल हैव डिसाइडेड कि इनको इंजेक्ट किया गया है। सो देयर आर सम डीएनए चेंजेस जो ऑलरेडी बनाए गए हैं, नाउ बेबीज ऑफ दिस कलर विल बी कमिंग इन सेम कलर। तो अगर इंजेक्शन करना रहता तो हर एक फिश को, नए बेबीज को इंजेक्ट करना पड़ता था, बट नाउ द न्यू बेबीज इफ यू सी, इनके बच्चे भी देखोगे यही कलर दिखा रहे। ओनली थिंग इज लाइट का कमाल है, तो लाइट से वो ग्लो होते हैं तो लोगों को लगता है द कलर इज आर्टिफिशियल, बट कलर इज नेचुरल। क्योंकि ये बहुत से लोग ये कारण से नहीं लेते, ये नेचुरल फिश नहीं है इसलिए हम लोग नहीं ले रहे, वी आर नॉट कीपिंग इन द एक्वास्केपिंग, या फिर मैंने अपना एक्वास्केप बनाया लेकिन इसमें मैं नहीं रखूंगा बिकॉज दे आर कलर्ड। तो मैं ये वापिस बताना चाहूंगा, दिस आर नॉट कलर्ड डाइड और टैटूड, ये नेचुरल कलर है। आप गूगल भी कर सकते हो, इसको ग्लो फिश भी बोलते हैं इनको, हाँ इनको ग्लो फिश भी बोलते हैं। रीजन दे आर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दिस आर फाउंड नेचर में, ये मिलते हैं नदियों में, बट देन दिस आर ऑल्सो नॉट मैन मेड, कंटिन्यूअसली हर एक फिश को लेके कोई इंजेक्ट नहीं कर रहा है कलर, दिस आर नेचुरल, वो उनके डीएनए से ही आते जा रहा है, द नेक्स्ट जनरेशन इच इज कमिंग, वो सेम कलर लेके पैदा हो ब्रीड हो रहे हैं, राइट। और इनका ये सब एक्सेल साइज है, और इनका कैसा रहेगा प्राइस में? ये आपको आ जाएगा 100 rupees पैर में आ जाएगा, लेकिन अगर आप डजन लेते हो तो 450 rupees डजन आ जाएगा, 450 rupees डजन, राइट। क्योंकि ये क्या है, इनको ये बहुत हार्डी फिश है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब लोग बोलते हैं कि अगर कलर ऐसा है तो इनका लाइफ स्पैन कम होगा, इट्स नथिंग लाइक दैट, इनका लाइफ स्पैन भी नॉर्मल फिश जैसा ही है, मतलब वो नॉर्मल फिश जैसे ही रोल करते हैं। और आप देख सकते हो कोई भी एंट्री रिसेप्शन टैंक हुआ, या कोई आपको ऐसा टैंक बनाना है जहाँ जो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो गो फॉर विडोज। अब ये 4 feet by 18 by 18 का टैंक है, और इसमें मैंने 300 videos डाले हैं, 300, ओके। सो 300 videos से आपको ये पूरा अट्रैक्ट, अगर आप दूर से भी देखोगे ये टैंक सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ अदर टैंक्स। तो ये मेरे को पर्सनली भी पसंद है, बिकॉज इट फील्स रिलैक्सिंग व्हेन यू वॉच दिस फिशेस, और एक्टिव है। आप अगर फीडिंग के लिए बुलाओगे तो सब आ जाते हैं, तो देर इज नो के भाई ये फिश बहुत स्लो है समथिंग लाइक दैट, इट इज एक्टिव एंड इट इज कम्युनिटी फिश, मतलब आप कोई भी और फिशेस के साथ इसे इजीली रख सकते हो। सो यहाँ पे सब ये अनुबियस का वैरायटी है, राइट? ये अनुबियस का टैंक टाइप मैंने बनाया है, इसमें 4-5 वैरायटी की अनुबियस है। अभी अनुबियस में कौन से वैरायटी, आई विल शो यू, गोल्डन नाना, नाना, उसके बाद में ड्रैगन क्लॉ, इसको ड्रैगन क्लॉ बोलते हैं, एंड दिस आर पिटिट, नाना पिटाइट है। क्योंकि नाना पिटाइट को बहुत लोग ढूंढते रहते हैं कि नाना पिटिट, हमको बहुत छोटे लीफ चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। तो अभी मेरे पास अच्छी खासी स्टॉक में अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए आप विजिट करो या बुक करो, प्लांट्स आपको वीफास से भेज दिए जाएंगे, बट आई ओनली शिप इन मुंबई, ओके, मैं मुंबई से बाहर नहीं कर रहा हूँ अभी भी। अच्छा, तो मुंबई में आपको कहाँ भी डिलीवरी मिल जाएगा? या इन एन आवर आपका बुकिंग के बाद आपको, ये देखो इसको बोलते हैं पिटिट, इसके लीफ बहुत छोटे रहते हैं, तो जिनको छोटा मिनी स्केप वगैरह करना है ना, तो आप ये पिटिट के लिए जाओ, बहुत अच्छा है प्लांट, और अभी अवेलेबल भी है क्योंकि ये बहुत रेयरली आता है। और ये कैसे रहेगा पॉट वाइज? पॉट वाइज आपको 300 rupees ईच पॉट मिल जाएंगे, अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो कम हो जाएगा, तो कितने क्वांटिटी है उसके ऊपर मैं कम कर देता हूँ। ओके ओके। और ये देखिए, ये सब यहाँ पे भी इन्होंने फ्लोटिंग प्लांट्स रखे हुए हैं, ये सेल्विनिया, सेल्विनिया है, ये देखिए, और यहाँ पे भी कुछ है मॉस, जावा मॉस और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, और इसमें भी जावा फन है, और कुछ जेब्रा डेनियोस रखे हुए हैं, राइट? या जेब्रा डेनियोस है। तो ये पूरा यहाँ पे टैंक्स है, ये एक और फर्स्ट रैक है, फिर और भी बहुत से रैक्स है यहाँ पे। सो इसमें ये सब एंजल्स है, और ये सब अराउंड 2.5 inches के है, वेल टेल है, या ये वेल टेल मार्बल एंजल है, तो वेल टेल वैरायटी है, ये बहुत अच्छी एक्टिव वैरायटी है, ये आपको 250 rupees पैर में मिल जाएंगे। ओके ओके। और साइड में ये डॉलर्स है, सिल्वर डॉलर्स, ये 2 inches रहेंगे कॉइन साइज में, और इनका कैसा है प्राइस? ये आपको मिल जाएंगे 80 rupees पैर। ओके, 80 rupees पैर है, तो ये सबसे स्मॉल साइज डॉलर है। या
और ये जो है ये कौन सा प्लांट है? दिस इज अनुबिया कॉफी फोलिया। ओके ओके, इसके लीव्स बड़े रहते हैं। राइट, उसके और पैटर्न भी रहता है लीफ पे। या या या, तो आपको बहुत से आपको ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये कौन से फिशेस है यहाँ पे? सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू वैरायटी, इसको सिलेस्टियल रेनबो भी बोलते हैं। दूसरा नाम है उसका रेड आई पैसिफिक रेनबो। या तो इसका स्पेशलिटी है, इट लुक्स लाइक पेस्का रेनबो, आपको पता रहेगा। हां, पेस्का रेनबो जैसे दिख रहे लंबे से, बट देन इसका जो स्पाइक रहता है दैट इज व्हाइट इन कलर। okay. और फिन स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। हां, इसमें भी मेरे को अलग अलग ऐसा मेल फीमेल्स दिख रहे हैं। राइट, मेल्स को अच्छा कलरेशन है। और ऊपर ये कौन सा प्लांट है यहाँ पे? ये भी कॉफी फोलिया ही है। okay, अनुबिया कॉफी फोलिया। ओके ओके, तो इनका कैसा रहेगा प्राइस? ये आपको 250 रुपीस पैर में आ जाएंगे। ओके, 250 पैर में। पैर अगर डजन लेते हो तो और रेट कम हो जाएगा। ओके ओके, और यहाँ पे जेट ब्लैक एंजल से, बल्जेरियन सिल पॉइंट एंजल से, और कौन से दूसरे एंजल? रेड आई कोई एंजल। अच्छा, तो थ्री वराइटीज एंजल है। आपको जेट ब्लैक आ जाएंगे 200 रुपीस पैर। ओके, और रेड आई जो रेड कैप है वो आ जाएंगे 300 रुपीस पैर। अच्छा, और बीएसपी आ जाएंगे आपको 500 रुपीस पैर। अच्छा, बीएसपी 500 रुपीस पैर आएंगे। ओके ओके, सो सब ये साइज में 2.5 इंचेस का है। और यहाँ पे सब ये इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स है। या ये स्मॉल साइज में है, जो हमने पहले वीडियो में देखे वो थोड़े बड़ी साइज है। हाँ, और ये स्मॉल साइज में है। रीजन इज दैट लोगों को स्मॉल साइज भी चाहिए, बट देन दिस आर नॉट वेल टेल, ये नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स है। अभी दूसरा रहता है जर्मन ब्लू रैम, तो लोगों को बोल कभी कभी नाम का कंफ्यूजन है। तो जर्मन ब्लू इज नॉट ब्लू इन कलर, इट इज येलो कलर। एंड इलेक्ट्रिक ब्लू इज द सेम, ये ब्लू कलर वाला। ओके, और ये सब 2 इंचेस के थोड़े बड़े भी है। और इनका कैसा रहेगा प्राइस? ये आपको 250 रुपीस पैर में मिल जाएगा। अच्छा, 250 रुपीस पैर, बहुत अच्छा रेट है ये 250 रुपीस पैर। और अच्छा कलरेशन है इनका भी, ये देखिए। और ये एकदम बड़े साइज के रैम्स है, शॉर्ट बॉडी में बलून रैम्स जो बोलते हैं हम। या ये भी फर्स्ट टाइम आया है बलून में व्हेल टेल। ओके, बलून, so बलून प्लस व्हेल टेल, ये थोड़ा अलग वैरायटी है, नया वैरायटी है जो फर्स्ट टाइम आया है। एंड इट इज आल्सो शोइंग रियली अमेजिंग कलर, अगर आप देखते हैं उनका ग्लेयरिंग एंड। हाँ, ये बहुत अच्छी वैरायटी है जो अभी अवेलेबल है हमारे पास। इनका कैसा रहेगा प्राइस रेट? ये आपको आ जाएंगे 700 रुपीज पैर। अच्छा, 700। और ये साइज भी अराउंड 2 इंच से बड़े है, ये 2.5 बोल सकते हैं। राइट, 2.5 से बड़े है। एंड दे आर आल्सो, आप देख सकते हैं उसमें माउंटेन मिनोस भी है, तो माउंटेन मिनोस के साथ भी इजीली रहते हैं। तो बहुत लोगों का डाउट या क्वेश्चन यही रहता है कि रैम्स टेट्रास के साथ रहते हैं कि नहीं, मेरे टेट्रास बहुत छोटे हैं। तो यू कैन सी अभी माउंटेन मिनो बहुत छोटे हैं, और आप एक मिनट के लिए भी नहीं देखोगे कि कोई रैम उन पे हिट कर रहा है। रैम्स ओनली हैव टेंडेंसी कि वो आपस में ही खेलते रहते हैं या एग्रेशन दिखाते रहते हैं, वो कोई और वैरायटी के फिशेस को कुछ नहीं करते। तो आप टेट्रास रहे, आपके पास गप्पीज रहे, वो इजीली सस्टेन कर सकते हैं। या, और ये कैसे रहेंगे इनका प्राइस? ये माउंटेन मिनोज आपको आ जाएंगे 80 रुपीस पैर, अगर आप डजन लेते हो तो 360 रुपीस डजन आ जाते हैं। ओके ओके, और यहाँ पे ड्वार्फ गुरामीज है। या, ड्वार्फ रेड गुरामी और ड्वार्फ ब्लू गुरामी। या, ये दो वैरायटी के गुरामी हैं जो बहुत अच्छी तरह सेट हुए हैं। एंड दिस आर द वैरायटीज जो हम लोग विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं। या, और इनका कैसा रहेगा प्राइस रेट? इनका साइज 2 इंचेस है अराउंड, और ये आपको आ जाएंगे 250 रुपीस पे। ओके, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गप्पीज है, ये कौन से वाले गप्पीज है? ये ब्लैक मेटल गप्पी है, ये भी बहुत यूनिक एंड स्ट्रक्चर एंड शेप आप देख सकते हो। मेल फीमेल दोनों ही डम्बो ईयर में है एंड सेट हो चुके हैं। ये फीमेल्स एकदम बड़े साइज में है। या, एंड फीमेल्स एंड मेल्स का भी स्ट्रक्चर जो देख सकते हैं आप, फिन्स वगैरह ना बहुत अच्छा है। और मेल्स का कैसा है, मतलब प्राइस कैसा है इसका? ये आपको पैर आ जाएगा 250 रुपीस ओनली। ओके, 250 रुपीस पैर है। राइट, और आप इसमें देख सकते हो व्हेल टेल ब्रिस्टल नोज। हाँ, तो बहुत से लोग अल्गी ईटर में क्या ऑप्शन है जो छोटे फिशेस के साथ रह सकता है, ये क्वेश्चन रहता है। हाँ, उसका सॉल्यूशन ये है व्हेल टेल ब्रिस्टल नोज। ब्रिस्टल नोज भी है हमारे पास, और ये व्हेल टेल बहुत यूनिक लगता है, इट लुक्स लाइक L183। और ये अराउंड 2.5-3 इंचेस का है। राइट, और वो क्लीनिंग उनका काम है अल्गी ईटर, तो ये दिखते है नॉर्मल प्लेको टाइप, लेकिन ये है ब्रिस्टल नोज, ये बढ़ते नहीं है। दिस इज द मैक्स साइज आई गेस, वो 3-4 इंच भी होता है, बट नॉर्मल टैंक्स में नहीं होता, वो कोई ब्रीडर या एक्सपर्ट लोग उनको इतना बढ़ा सकते हैं, वरना नहीं बढ़ता इतना। ओके, और इनका कैसा प्राइस व्हेल टेल का? व्हेल टेल आपको आ जाएंगे अराउंड 500 रुपीस पैर। और जो अंदर है ये कौन से प्लेकोस? वो भी ब्रिस्टल नोज ही है, वो अल्बिनो ब्रिस्टल नोज है, वो भी आपको सेम प्राइस में आ जाएंगे, 250 रुपीस पैर। हाँ, ओके ओके,
और अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक है गप्पीज का बहुत से टैंक्स में, और यहाँ पे पोलार पैरेट्स है। ये आपको पोलार पैरेट्स पे ऑफर चल रहा है, ये आपको 150 रुपीस पेयर में मिल जाएंगे। ओके, जो कहीं नहीं मिलेगा, जो व्हाइट वाले वो भी, वो भी व्हाइट हो या ब्लू पोलर पैरेट हो, दोनों आपको 150 रुपीस पेयर, तो बहुत कम बचे हैं। हाँ। तो जिनको भी करना है फोन पे बुक कर सकते हो, बट देन बुकिंग आप करके 4 दिन बाद नहीं ले सकते, तो दिस इज वन कंडीशन, क्योंकि ये लाइव स्टॉक है। अगर आप आज बुक करते हो तो नेक्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर आपको लेना है। अगर फिशेस को फ्यूचर में कुछ हुआ देन आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बहुत सी चीजें हो सकती है। तो अगर आप बुक करते हो सेम डे ले लो, या अगर आपको टाइम नहीं है विजिट करने का भी फास्ट से ले लो। ओके, सो अभी मैं आपको सब गप्पीज के स्ट्रेन दिखाऊंगा अलग अलग। सो ये एक फर्स्ट टैंक है, इसमें चेरी बाब्स भी है, राइट? वेल टेल चेरी बाब्स है, ये भी अच्छी क्वालिटी के चेरी बाब्स आए है, जो रेड कलर दिखा रहे हैं, अभी कम बचे है, 4-5 पीस बचे है। And the other one is this platinum cobra guppy. Okay. Male female दोनों available है, ये आपको मिल जाएंगे 150 रुपीस पैर। Okay. और आप shades देख सकते हो, these are also known as 7 color guppy. Okay. और इसमें जो cherry bugs है वो आपको आ जाएंगे 120 रुपीस पैर, ये वेल टेल है, और नॉर्मल cherry bug आपको मेरे पास 80 रुपीस पैर में मिल जाते हैं। Okay, okay. और इसमें भी अनुबियास है क्या? या अनुबियास नाना। और यहाँ पे ये ब्लैक मॉस्को है क्या? या ब्लैक मॉस्को जेट ब्लैक गप्पीज, जो फुल ब्लैक में आ जाते हैं। या मेल फीमेल है, मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है, डम्बो ईयर में है मेल फीमेल, ये आपको आ जाएंगे 150 रुपीस पैर। ओके, 150 रुपीस पैर। ओके, राइट, ये ऑफर रेट है, प्लीज डोंट आस्क फॉर मोर डिस्काउंट, क्योंकि मैं सबसे मिनिमल रेट चैनल पे बताता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट के लोगों को बहुत अच्छी तरह मिल जाए, एंड देन ये अगर लॉट खत्म होता है नेक्स्ट लॉट का रेट सेम होगा, इसका गारंटी नहीं है। सो अगर आपको चाहिए तो जल्दी आ जाओ, जल्दी विजिट करो और ले लो जो चाहिए। और इसमें ये ब्लू टोपाज है? नहीं, ये अल्बिनो पॉलिश पॉलिश है। अच्छा, ये ब्लू कलर नहीं है, ये येलो कलर का थोड़ा है। हाँ। ये आपको अल्बिनो पॉलिश गप्पीज बोलते हैं, इनका रेड आई रहता है। हाँ। ये भी बहुत अच्छी क्वांटिटी और साइज में अवेलेबल है अभी। गप्पीज का सब साइज एंड मेल फीमेल का बहुत अच्छा आया है ये बार। एंड ये आपको मिल जाएंगे 300 रुपीस पैर। ओके, और आप नीचे अगर देखते हो तो देर इज कोरिडोरस, पांडा कोरिडोरस जो बोलते हैं, वो भी वेल टेल वराइटी में अवेलेबल है। तो ये आपको मिल जाता है 350 रुपीस पैर। ओके, 350 रुपीस पैर। और ये है हाई फिन वाइल्ड रेड गप्पी। ओके, हाई फिन रहता है उनका, एंड वाइल्ड रेड, मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएंगे 250 रुपीस पैर। ओके, 250 रुपीस पैर। या दिस आर नोन एज वाइल्ड गप्पी। ये है प्लेटिनम डम्बो ईयर। हाँ, प्लेटिनम डम्बो ईयर फेमस गप्पी है, जिनका ईयर्स बहुत बड़ा रहता है, बॉडी टेल इज रेड एंड उनका बॉडी प्लेटिनम शाइन करता है। तो दिस यू विल गेट फॉर 250 रुपीस पैर। ओके, 250 रुपीस पैर। मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है हर एक गप्पी के हमारे पास। हाँ। And the alligator which you see in the video, ये ऑटो सिंकलस बहुत फेमस है, हमेशा इसकी डिमांड रहती है और हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहेगा ये। तो इनका कैसा है प्राइस? ऑटो सिंकलस मिल जाएगा 300 रुपीस पैर। अगर आप 6 पीस लेते हो तो रेट विल गो डाउन। ओके, बट 6 पीस के लिए, 4 पीस के लिए नहीं। अच्छा, तो क्योंकि यू नो समटाइम्स लोग बोलते हैं डजन का रेट है तो मुझे हाफ डजन दे दो, तो हाफ डजन मतलब 6 पीस जिसका आपको पैर का रेट मिल जाएगा। बराबर। और डजन का मतलब आपको 12 ले लोगे तो ही वो रेट आपको एलिजिबल हो आप। तो गप्पीज का कितना था? ये वाली गप्पीज आपको 250 रुपीस पैर। अच्छा, 250 रुपीस पैर। हो गए। सो यहाँ पे पर्पल बेरी गप्पीज है, इसमें भी मेल फीमेल सीखेंगे आपको। और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको मिल जाएंगे 250 रुपीस पैर। ओके, 250 रुपीस पैर। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इनका स्ट्रक्चर बड़ा शॉर्ट बॉडी गप्पीज जैसा रहता है। हाँ। बट दे आर वेरी एक्टिव। ओके, तो आप देख सकते हो उनके डम्बो ईयर्स भी है। हाँ। तो डम्बो ईयर्स होने का मतलब या फिर फायदा ये रहता है, दैट मीन्स द स्टॉक इज वेरी एक्टिव। अगर वो हेल्दी है, वो फूड अच्छी तरह खा रहा है, तो ही उनके ईयर्स भी ब्लैक होते हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इनके फीमेल्स भी रेडी है, जो लोग कल लेके गए उनके इधर बेबीज भी हो चुके हैं, उनका मैसेज आया था, और यहाँ पे भी बेबीज हो चुके हैं बट देन दे आर हाइडिंग। तो दिस गप्पीज आर सेट, तो ये भी आपको वैरायटी चाहिए तो ये भी मिल जाएगी। और यहाँ पे ये दूसरे गप्पीज है, ये कौन से? दिस आर AFR फ्लेमिंगो गप्पी जो बोलते हैं। हाँ। सो दिस आर ऑल्सो यूनिक एंड
हाई फिन वाले है, हाँ। फुल रेड गप्पीज जिसको बोलते हैं हम, मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है, ये आपको आ जाएंगे 300 रुपीज पैर। ओके 300 रुपीज पैर में आ जाएंगे, तो अच्छा खासा स्टॉक है इसमें। और इसमें रमिनोस टेट्रास भी है। या दिस आर बेसिक रमिनोस, रमिनोस कारण ये है कि उनका रेड नोज रहता है, दिस आर स्कूलिंग फिश। या तो आप अगर दूर से देखते हो तो दे हैव एन टेंडेंसी टू स्कूल टुगेदर। या सो इनका कैसा रहेगा? रमिनोस आपको आ जाएंगे 180 रुपीस पैर, 180 रुपीस और अगर डजन लेते हो तो 480 रुपीस डजन। अच्छा, जो प्लांट आप देख रहे हैं ये टैंक में, उसका नाम है हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट या फॉक्सटेल भी बोलते हैं कभी कभी इसको। तो फॉक्सटेल इज बिट डिफरेंट, पर कभी कभी लोगों का कंफ्यूजन है। तो दिस इज काइंड ऑफ प्लांट विच इज बेस्ट फॉर गप्पीज, या किसी पॉन्ड में आपको सेटअप करना है या आपको ग्रीनरी दिखानी है ज्यादा, तो दिस इज द प्लांट विच लुक्स अमेजिंग। ये कोई भी डायरेक्शन में ग्रो होता है, इट्स नॉट लाइक के लाइट के डायरेक्शन में ऊपर ग्रो होगा, इट कवर्स योर होल टैंक इन अ मंथ। सो इस टैंक में सब स्कारलेट बेरीज है और अच्छा खासा इसमें स्टॉक है। और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको आ जाएंगे अराउंड 120 रुपीस पैर। अच्छा, और डजन लेते हो तो आपको ये आ जाएंगे 480 रुपीस डजन। 480 रुपीस डजन, ओके। और ये कौन से? दिस इज एम्बर टेट्रा, जो माइक्रो वैरायटी में भी आता है। कोई कोई लोग इसको माइक्रो वैरायटी में बोलते हैं। तो एम्बर टेट्रा भी बहुत अच्छा वैरायटी है, जो इट स्टे स्मॉल बट ये ऑरेंज कलर लगाते हैं। ओके, और इनका कैसा है प्राइस? ये आपको आ जाएगा अराउंड 180 रुपीस पैर एंड डजन 600 रुपए डजन, बिकॉज दिस आर माइक्रो वैरायटी, दिस आर बिट एक्सपेंसिव। इसे ब्लू टेट्रा बोलते हैं, दिस आर आल्सो नोन एज किंग्स ब्लू। या किंग्स ब्लू, तो इसका स्पेशलिटी ये है, इट्स नॉट लाइक नियॉन के आधा ब्लू आधा रेड, दिस इज कम्प्लीटली ब्लू। तो जिनको ब्लू की फीलिंग चाहिए, ब्लू टेट्रास होने चाहिए या ब्लू की कमी है आपके टैंक में, यू गो फॉर दिस, क्योंकि नियॉन टेट्रा कार्डिनल टेट्रा लोगों ने रखे हुए है, तो दिस इज अ न्यू वैरायटी इन द हॉबी, जो बहुत अच्छी एंड एक्टिव रहती है, यू कैन सी। और इनका कैसा प्राइस है? ये आपको आ जाएगा 180 रुपीस पैर एंड डजन लेते हो तो 480 रुपीस, सो दिस इज नॉट एक्सपेंसिव जितना दिखता है, बट देन इट इज आल्सो रियली गुड ऑप्शन। ये प्लैटिनम रमिनोस है, प्लैटिनम रमिनोस, ब्रिलियंट रमिनोस भी बोलते हैं, रमिनोस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ब्रिलियंट रमिनोस में शाइन रहती है, द रेड कलर इज बिट स्ट्रॉन्गर। या और ये भी साइज में अराउंड 1.5 से 2 इंच, ये भी सेट हो चुके हैं, यू कैन सी अभी देखना। या सब एक्टिव है, सो द टेट्रास आर सेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और इनका कैसा रहेगा प्राइस रेंज? ये आपको 200 रुपीस पैर आएगा, और डजन लेते हो तो 1200 रुपीस। इसमें डजन या पैर में रेट सेम ही है, क्योंकि क्या है, दिस इज रेयर टू फाइंड एन एक्सपेंसिव फिश। या सो ये हाफ बीक है ना? या दिस आर नोन एज अल्बिनो हाफ बीक। हाफ बीक इज, इट लुक्स लाइक एलिगेटर गार का बेबीज, बट देन दिस आर माइक्रो वैरायटी, मतलब इनको आपको किसी छोटे बेबीज या टेट्रास के साथ रखोगे या श्रिम्स के साथ रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, और ये सब 2 इंचेस तक रहेंगे साइज? या 2 इंचेस में तक है ये, और ये आपको अच्छी रेट में मिल रहे हैं, ये आपको 180 रुपीस पैर में मिल जाएंगे मेरे इधर। अच्छा, 180 पैर, और अगर ज्यादा क्वांटिटी लेते हो तो आपको 120 पैर में भी मिल जाएंगे। ओके ओके, जैसे डजन लेते हो तो। या एंड ये रह लेते हैं किसी के साथ भी, एंड इफ यू सी, इफ यू जूम, उसमें हमने एक ड्रिप फूड का सेटअप रखा है, और जिसमें फीडिंग श्रिम्स भी अवेलेबल है। या ये देखिए, बड़े साइज के श्रिम्स है। हाँ, तो ये भी अवेलेबल है। दिस आर एलिगेटर, ये फीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो आप, अरवाना हो या मॉन्स्टर वैरायटी, ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। या तो ये कितने के? ये आपको आ जाएंगे 5 रुपीज ईच, अगर आप डजन लेते हो तो। ओके ओके, थोड़ा कम क्वांटिटी लेते हो तो रेट बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, सो फ्रेंड्स, कुछ हॉबीस्ट यहाँ पे आए, उनसे हम बात करते हैं। हाय सर। हाय। सो सर, कैसा लगा आपको ये नया स्टोर में आके? ऑसम ऑसम, पुराना स्टोर भी अच्छा था, ये तो काफी अच्छा है, काफी स्पेस है यहाँ पे। और मैं तो हर हफ्ते विजिट करता ही हूँ विदाउट फेल। आई कम फ्रॉम पूना, व्हाइल कमिंग फ्रॉम पूना आई विजिट दिस शॉप ऑलवेज। ओके ओके, एंड रेट्स आर आल्सो रीजनेबल एंड वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज वेरी गुड। ओके, तो राइट नाउ आज क्या लिया आपने यहाँ से? अभी फिलहाल मैंने नियॉन लिया है, काफी है मेरे पास, लेकिन वो एक मुझे आदत बन गई है कुछ ना कुछ लेके जाने की। हाँ। तो नियॉन लिया है, किलीफिश गार्डन एरिया लिया है, एंड मेरे पास 2 ग्लो टेट्रास पेंडिंग थे, वो ले लिया। ओके ओके, या थैंक्स। तो ये पूरा ये शैलो टैंक जैसा बनाया हुआ है, और इसमें ये कौन से बाब्स है?
ये बेसिकली इसको अप्सरा बार्ब भी बोलते हैं। ओके ये इट लुक्स लाइक फिलामेंटस बार्ब पर दिस आर चीपर। ओके ये आपको आ जाएगा ओनली 150 रुपीस पेर। ओके और ये भी साइज 3-3.5 इंच है ये। या जिसको बड़ा टैंक है और ऑक्यूपाई करना है एरिया पूरा लाइक हाँ। वो उनका कहना है कि मेरा टैंक एकदम स्टेडी लगता है हाँ। मूवमेंट नहीं होता है हाँ। तो डेनासोनिस बार्ब्स के अलावा डेनासोनिस आर बिट एक्सपेंसिव इनके कंपैरिजन से तो हाँ। ये आप डाल सकते हो तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हो ये कंटिन्यूस मूवमेंट वाले फिशेस है हाँ। और ये मिल्की वाइट कोई भी है इसमें एक राइट मिल्की कोई भी है उसमें जो उनके साथ रह सकता है मतलब जिनको अगर मिल्की कोई रखने हैं या कोई गोल्ड फिश रखने हैं तो इनके साथ इजीली रह पाएंगे। या और इसमें ये जो क्रे फिशेस है इनका कैसा रहेगा? क्रे फिश आपको आ जाएंगे ये 300 रुपीस पैर। अच्छा 300 रुपीस पैर। इसमें भी ऑरेंज है ये देखिए वाइट है हाँ। तो इसमें अभी हमारे पास दो कलर अवेलेबल है नॉर्मली 3-4 कलर रहते हैं बट राइट नाउ इट्स रेड एंड व्हाइट ये दो कलर ही अवेलेबल है अभी। सो यहाँ पे ये सब जियोफेगस है ये कौन से है? ये रेड है टापोजस जो बोलते हैं टापोजस वो वाले है जियोफेगस की कैटेगरी में आते हैं। इन ये थोड़े बड़े होने के बाद आपको इनका स्पेशलिटी ये है कि द हेड टर्न्स रेड इन कलर थोड़ा रेड कलर का टोन आने लगता है। या और एक कौन सा पैर है ये फिशेस का ऊपर जो है ये इनको हेड एंड टेल लैम टेट्रा बोलते हैं। बड़ा साइज है ये एक्चुअली ये अभी बड़ा साइज आया है 2 इंच तक है ये। ये देखिए जब टर्न मारेंगे आपको कलर दिखेगा इनका ये देखिए। या और ये जो सबस्ट्रेट आपको दिख रहा है तो दिस इज लावा रॉक क्रश। ओके ओके तो लावा रॉक का क्रश एक वैरायटी है जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। बहुत लोग मेरा ये टैंक देखकर पूछते थे आपके पास ये वाला सैंड है क्या तो अभी हमारे पास अवेलेबल है ये वाला सैंड और इसके टाइप वाला सैंड भी है जिनको थोड़ा और कलर चाहिए ब्लैक चाहिए या गोल्डन चाहिए वो भी वाला भी अवेलेबल है। ओके और ये जियोफेगस का कैसा रहेगा प्राइस? जियोफेगस आपको आ जाएंगे अराउंड 800 रुपीस पैर और वो हेड एंड टेल लैम्प 180 रुपीस पैर। अच्छा 180 रुपीस पैर। ओके सो ये एक टैंक है जिसमें डिस्कस है और अल्बाइनो हैकलीज है। तो ये जो डिस्कस है इनका साइज में बता दूँ आपको ये सब 3 इंचेस तक है और फिलहाल अभी इसमें 3 है और एक ये बैक साइड में और इनका कैसा रहेगा प्राइस रेंज? ये आपको डिस्कस आ जाएंगे अराउंड 3500 पैर। अच्छा 3500 रेड मेलन एंड रेड मैप है हाँ। और दूसरा जो वैरायटी है जो सबका फेवरेट है मोस्टली नाउअडेज दैट इज अल्बिनो हैकली। या अल्बिनो हैकली में ये 4 इंच की साइज है हाँ। And it is a pair, ये pair है basically, जो ऊपर है जो फीमेल है और जो नीचे है वो मेल है। तो दिस पैर इज ऑल्सो अवेलेबल ये आपको मिल जाएगा 3500 रुपीज पैर। अराउंड ये 4 इंचेस तक। और अगर आप ये पूरा सेट लेना चाहते हो 3 डिस्कस विद 2 अल्बिनो हैकली तो मैं आपको 6000 रुपीज में दे दूंगा। ओके सब या तो दोनों का आपका अराउंड 1000 रुपीज बच रहा है हाँ। अगर आप ये 5 पीसेस का सेट लेते हो पूरा 2 अल्बिनो हैकलीज एंड 3 डिस्कस ये आपको 6000 में आ जाएगा। और वैसे डिस्कस का क्या प्राइस है पैर में? ये अगर डिस्कस का प्राइस पैर लेते हो तो अराउंड 3800-3500 में आ जाएगा। ओके ओके तो आप पूरा ये स्टॉक लेते हो 5 फिशेस का तो आपको अच्छा आपको एक डिस्कस ऑलमोस्ट फ्री आ रहा है एंड 1000 रुपीज भी बच रहे या तो ये व्यूअर्स के लिए है हाँ। पर आप रिमेम्बर ये अभी लास्ट सेट है या तो ऐसा नहीं है कि ये सेट बिक गया तो कोई और मिल जाएगा वही रेट में नहीं, तो दिस इज एन लिमिटेड एक्सक्लूसिव ऑफर। तो अगर वीडियो देखते हो फटक से आ जाओ या कॉल करो या जो भी आप मैंने जो ASAP कांटेक्ट कर सकता है उसको ये मिल जाएगा या और सब हेल्दी स्टॉक है। मैं कोई फिशेस ऑफर में इसलिए नहीं निकलता कि वो डीम है या कुछ है। यू कैन सी नन इज हैविंग एनी डिजीज और समथिंग लाइक दैट या तो सब एक्टिव फिशेस है। अगर आप लेते हो 6000 में 5 पीस आपको एक्सपेंसिव फिशेस है ये हाँ। नहीं मिलेंगे कहीं भी। तो ये देखिए ये सिल्वर अरवाना है यहाँ पे ये अराउंड रहेगा 8-10 इंचेस का और ये देखिए फिलहाल अभी एक ही ये साइज में अवेलेबल। और इसका कैसा रहेगा प्राइस? ये आपको आ जाएगा 2500 पर पीस 2500 में। ओके और इसका आप देख सकते हो शाइन फिन्स पूरा एकदम बहुत ब्राइट शाइन कर रहा है सिल्वर अरवाना होने के बावजूद।
तो अच्छी क्वालिटी है जिसको अभी, क्योंकि सिल्वर अरवाना अवेलेबल कहीं नहीं है, तो ये 8 इंच का साइज है जो आप पैरेट्स, ऑस्कर्स किसी का भी रख सकते हो, या इसके साथ रहने वाली फिशेज भी चाहिए मेरे शॉप में मिल जाएगी आपको। हाँ। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, तो ये आपको 2500 रुपीज में मिल जाएगा इजिली। अगर आप और भी कोई फिशेस लेते हो या और भी कुछ लेते हो तो मैं आपको और 200 रुपीज कम करके दूंगा। ओके ओके, तो ये अच्छा ऑफर है, और आप क्वालिटी देख सकते हो, बहुत शेप इज परफेक्ट, मतलब अरवाना का आइडियल शेप है। So, यहाँ पे एक अल्बाइनो अरवाना है जो अराउंड 4-5 इंचेस का रहेगा, ये देखिए, और अभी भी थोड़ा सा इसके फिन्स पे और टेल्स पे कलरेशन दिख रहा है इतने स्मॉल साइज में भी। और इसका कैसा रहेगा प्राइस? ये आपको अराउंड आ जाएगा 5500 पर पीस। ओके, ये अल्बिनो रेड आई अरवाना है, ये व्हाइट हो जाता है, इसको व्हाइट अरवाना भी लोग बोलते हैं। हाँ। ये भी कहीं नहीं मिलेगा आपको अभी फॉर द टाइमिंग, तो ये आपको मिलेगा नहीं जल्दी, राइट? तो अल्बिनो मिलता नहीं और ये साइज नहीं मिलता है, तो ये आपको आ जा रहा है 5500 में। इसमें कोई रेट कम नहीं होगा क्योंकि ये कम रेट ही है। सेम साइज आपको कहीं और 6500 में मिल रहा है, मैं 1000 रुपीज कम करके डायरेक्ट रेट बता रहा हूँ। तो काफी अच्छा रीजनेबल प्राइसेस है, एंड सेट पीस है मेरे इधर। फिशेस का आपको टेंशन नहीं कि क्वालिटी है, सेट है, फीडिंग ले रहा है नहीं ले रहा है, एंड ऑल अरवाना जो भी आप वीडियो में देखोगे सब ड्राई फीड खा रहे हैं। कोई भी अरवाना को मैंने लाइव या कुछ हार्ट, एनिमल हार्ट वगैरह नहीं देता हूँ, या फिर डिस्कस उन लोग को भी। तो ऑल आर ऑन द ड्राई फीड, तो आपको सेट करने में मुश्किल नहीं होगा, अगर आप जाते हो लेके एक दिन में वो फिश खाने को लग जाएगा। और यहाँ पे सब ये गोल्ड फिशेस है बड़े साइज के, कुछ रहेंगे साइज इनका 3-4 इंचेस तक, और इनका कैसा है प्राइस है? ये आपको 150 रुपीस पैर में आ जाएंगे। 150 रुपीस पैर, ओके। ये कॉमेट गोल्ड फिश जो बोलते हैं वो गोल्ड फिश है, बहुत अच्छी साइज है। अभी और लोगों का, बहुत लोगों का क्वेश्चन या डाउट रहता है गोल्ड फिश हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि बहुत गंदगी करता है। अभी ये टैंक मैंने 3 दिन पहले साफ किया था और आप फ्लोर देख सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू फीड। अगर आप उनको कचरा खाने को डाल रहे हो तो दे विल मेक टू मच शिट। तो आप कोई अच्छी क्वालिटी का फूड, अभी अच्छी क्वालिटी के फूड में 3-4 वैरायटी है, एक्वेटिक वेंचर्स का है, हिकारी का है, आप ये सब डालोगे ना तो आपका पानी गंदा नहीं दिखेगा, ना आपका क्लियरिटी में कोई हार्म होगा। आप देख सकते हो टैंक भी क्लियर है, ना गंदगी आपको कहीं दिख रही है, ना क्लीनिंग मैंने रिसेंटली की है, ये 3 दिन पहले क्लीन हुआ टैंक है। तो आपको फीडिंग का रेशियो भी चाहिए, एंड अराउंड इसमें अभी 15 गोल्डफिश है, फिर भी पानी आपका क्लियर रह रहा है। तो डोंट, इट्स अ मिथ के गोल्डफिश ही गंदगी करता है। सी एनी एनिमल और ह्यूमन बींग्स और जो भी लिविंग थिंग है वो खाएगा तो इट विल एक्सक्रीट, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्डफिश ही एक्सक्रीट करता है, दूसरे फिशेस भी एक्सक्रीट करते हैं, बट देन वो मिथ बनाया हुआ है कि ये बहुत गंदा करते हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, आप गोल्डफिश भी पाल सकते हो, ओरांडास भी आते हैं मेरे पास इम्पोर्टेड वाले, वो भी सेम क्वालिटी में, सेम क्वालिटी में रखता हूँ मैं। ओके ओके, तो इनका क्या बताया था प्राइस? ये आपको 150 रुपीज पैर, 150 रुपीज पैर है। ओके, तो काफी अच्छा खासा हेल्दी स्टॉक है। तो नीचे एक और एक ये स्मॉल साइजेस के गोल्ड फिशेस है, ये 2 इंचेस के है, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसका भी अच्छा खासा स्टॉक है। तो ये एक और एक 3 फीट का टैंक है जिसमें सब ऑस्कर्स है, इसमें येलो लेमन ऑस्कर्स जो बोलते वो है, कॉपर ऑस्कर्स है, फायर रेड ऑस्कर्स है, और ये सब अराउंड मैं बोल दूँ आपको 2.5-3 इंचेस के हैं, ऑलमोस्ट 3 इंचेस है ये। और इनका कैसा रहेगा प्राइस? ये आपको अलग अलग प्राइस है, येलो एंड रेड फायर ये 400 रुपीज पैर में आएंगे। ओके, और टाइगर कॉपर ये 250 रुपीज पैर में आएंगे। अच्छा, और उसमें मोजाइक भी था वो सोल्ड हो गया है, तो और एक वैरायटी आती है बेसिकली, बट देन लोगों नॉर्मली पीपल आर सर्चिंग फॉर लेमन ऑस्कर और फायर रेड ऑस्कर और रेड कॉपर एज वेल एज रेड टाइगर, ये 4 वैरायटी अवेलेबल है। अच्छा रेट में मैं दे रहा हूँ, एंड ऑल आर हेल्दी, आप देख सकते हो इन द वीडियो, नन इज हाइडिंग वगैरह, इतना क्वांटिटी होने के बावजूद दे आर नॉट फाइटिंग, रीजन इज फीडिंग अच्छा दे रहा हूँ। तो व्हाट ऑस्कर्स टू बी फेड, तो हिकारी का सिक्लेट एक्सेल में दे रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा फूड्स किस किस टाइप के हैं जो मैं फीड कर रहा हूँ। अगर आप पहले से कोई और ब्रांड फीड कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं जो फीड कर रहा हूँ वही फीड करना चाहिए,
बट आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई फील, तो ताकि लोगों को सेट करने में आसानी हो जाती है। और ये कैसे थे फायर रेड? कैसे थे फायर रेड? 400 रुपीज पैर। और मैंगो? मैंगो भी 400 रुपीज पैर। एंड रेड टाइगर एंड रेड कॉपर, दिस आर 250 रुपीज पैर। ओके, तो काफी रीजनेबल है इनका प्राइस और अच्छा कलरेशन भी है इनमें। और यहाँ पे सब टेट्रा वेराइटीज है। सो ये देखिए यहाँ पे बड़े साइज के ये कार्डिनल टेट्राज है, एकदम बोल सकते हैं एक्सेल साइज, क्योंकि ये बहुत मोटे मोटे है एकदम, और अच्छा खासा स्टॉक है इसका। और नियॉन टेट्राज भी है यहाँ पे, पूरा टैंक भर के है ये भी। सो ये जो कार्डिनल टेट्राज है इनका कैसा रहेगा प्राइस? दिस आर जंबो कार्डिनल टेट्रा। ये आपको साइज में भी बहुत बड़े है। हाँ। ये आपको 900 रुपीज डजन में आएंगे। अच्छा, 900 रुपीज डजन में। और अगर पैर लेते हो तो 180 रुपीज पैर में ले सकते हो। ओके, बट देन रिमेम्बर ये बहुत बड़ी साइज है, मे बी वीडियो में आपको दिखे ना दिखे, बट देन दिस आर जंबो एक्सेल। ये अराउंड सब 1.5 इंचेस के साइज है। इंचेस के साइज है, राइट। और मोटे भी है अच्छे खासे। अगर आप कंपेयर करोगे साइज के नियॉन टेट्रा से तो आपको समझेगा कि साइज में कितना वेरिएशन है। तो कार्डिनल्स बहुत लोग ढूंढते रहते हैं, राउंड द ईयर लोगों की सर्च चालू रहती है, पर सेट कार्डिनल नहीं मिलते, तो हमारे पास आपको मिल जाएंगे। यू विजिट एंड देन यू कैन, आप खुद ब खुद देखोगे द एक्टिविटी और टैंक का क्लीनलीनेस भी देखोगे। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील के बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन। बिकॉज वी, आप अगर मेरे स्टोर में आओगे यू विल नेवर स्मेल स्टिंकिंग, जो हमेशा स्मेल होता है, बिकॉज आई डोंट फीड लाइव फीड्स। ओके, तो लाइव कुछ भी कीड़ा ब्लडवर्म्स आई डोंट फीड, दैट इज द रीजन एवरीथिंग इज हेल्दी। और कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन जाने का आपको एक ये नहीं है, फियर नहीं है कि कहीं से आ जाएगा, क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल फिशेस आर वेल क्वारंटाइन बाय मी। ओके ओके, और यहाँ पे ये सब नियॉन टेट्रास है, ये भी अराउंड 1 इंचेस के, कुछ बड़े भी है इसमें 1 इंचेस से, और पूरा टैंक भरा है ये। और इनका कैसा रहेगा प्राइस? नियॉन टेट्रा डजन 300 रुपीज। 300 रुपीज एंड पैर 80 रुपीज। अच्छा, पैर 80 रुपीज। ओके, और यहाँ पे हार्ली क्वीन रसगुरा है, ये भी सब थोड़े बड़े साइज लग रहे हैं, 1.25 इंच 1.5 इंच के बीच में है साइज इनका। और इनका कैसा प्राइस है? हार्ली क्वीन आपको आ जाएंगे 480 रुपीज डजन। 480 डजन। ये एक्चुअली महंगे रहते हैं, द नॉर्मल रेट इज 720 डजन। ओके, लेकिन ये मैं आपको ऑफर में रख रहा हूँ, इफ यू कम थ्रू चैनल ऑफ ट्रैवल विद गुरु तो आपको मैं ये 480 रुपीज डजन से दे जाऊंगा, बट दिस लॉट, अगर नया लॉट आता है इट विल गो बैक टू नॉर्मल रेट ऑफ 720 डजन। ओके ओके, तो आप आ जाओ, एक स्क्रीनशॉट मारो ये हार्ली क्वीन्स का और लेके आओ, एंड आई विल गिव यू बाय 480 डजन। आप जब भी आओगे तो आप विजिट करोगे तो आप मेंशन कर देना कि मेरे चैनल पे ये देखा है स्टॉक आपने और ये प्राइस में देखा है, तो आप वैसा परचेज कर सकते हो। और ये कौन सी फीचर है? दिस आर ऑल्सो यूनिक फिशेस, इसको सिल्वर टिप टेट्रा बोलते हैं। सिल्वर टिप टेट्राज आर ऑल्सो रियली अमेजिंग फिश। रीजन फॉर द नेम इज उनके टिप्स पे आप देखोगे टेल्स के या डॉर्सल फिन एनल फिन पे के वो एक सिल्वर कलर का डॉट रहता है। तो अगर ये ग्रुप में रखते हो आप एक 20 to 25 के, तो बहुत अच्छा स्कूलिंग और यूनिक फिश दिखता है आपको, सेम लाइक मरीन फिशेस का रिफ्लेक्शन आता है इसमें। अगर ये बड़े साइज में आ जाए हो गए तो बहुत अच्छा दिखता है, सिल्वर टिप टेट्रा। इनका कैसा प्राइस रहेगा? ये 480 रुपीस डजन आ जाएंगे, और अगर पैर लेते हो तो 150 रुपीस पैर। अच्छा, 150 रुपीस पैर। ओके, और ये साइज भी अभी 1.25 से 1.5 इंचेस का है इनका। और यहाँ पे ये सब गार्डिनरी किली फिशेस है, सो ये अराउंड साइज कितना तक जाएगा इनका मैक्स? गार्डनिंग किलीफिश आपका 3 इंच तक ग्रो होता है। ओके, बट देन दिस इज अ किलीफिश विच इज कंपेटेबल विथ ऑल काइंड ऑफ टेट्रास, ऑल काइंड ऑफ गप्पीज एंड ऑल काइंड ऑफ माइनर्स माइन्यूट फिशेस। ओके ओके, अभी ये सब 2 इंचेस के साइज में है, राइट? यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, इफ यू सी जिनका कलरेशन ज्यादा है दैट इज मेल। ओके, और वो जो थोड़ा फेंटेड है वो फीमेल है, तो मेल फीमेल आपको दोनों मिल जाएंगे हमारे पास। एंड जो स्टैचू आपको दिख रहा है फ्रॉक्स के, ऐसे टाइप के स्टैचू आप आगे वीडियो में देखोगे, दिस आर ब्रांडेड स्टैचू फ्रॉम टायो, तो कलर जाने का फेड होने का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ना अभी ये मेरे टैंक में ये सेम स्ट्रक्चर 3 साल हो गया, जब से मैंने शॉप नई चालू की थी तब से ये मैंने यूज किया, एंड द कलर इज स्टिल स्टेग्नेंट।
तो कभी कभी शो पीस अगर ब्रांड का लेते हो तो उसका ये यू कैन से अच्छा चीज रहता है कि द कलर डजंट गेट फेड। ओके, और ये किलीफिशेस का कैसा है प्राइस? किलीफिश आपको 550 रुपीस पैर। अच्छा, 550 रुपीस गार्डनरी किलीफिश। या सो ये देखिए, ये सब अच्छे खासे साइज में है, 1.5 इंचेस के वेल्टेल सर्फिटेट्रास, और इनका भी बहुत बड़ा स्टॉक है यहाँ पे। सो इनका कैसा प्राइस है? वेल्टेल सर्फी आपको आ जाएंगे 180 रुपीस पैर, 180 पैर, एंड डजन लेते हो 600 रुपए डजन में आ जाएंगे। अच्छा, 600 रुपीस डजन। नॉर्मल सर्फीज आर बिट चीपर, मैं ये भी बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर्फीज आर चीपर, तो ये इतना महंगा क्यों? क्योंकि ये वेल्टेल है। ओके, तो यहाँ पे सब ड्रिफ्ट फूड्स है, रॉक्स है, और ये सब यहाँ पे फिश फूड का सेक्शन है, और आपको सब बैकग्राउंड्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, ब्लू ब्लैक अलग अलग कलर्स के। ये देखिए, और एक ये मेरे को अच्छा लगा, फाइन वन है ये। राइट, अभी इसमें क्या होता है कि यू गेट 5 अटैचमेंट्स, एक स्क्रबर पैड बोलते हैं, उसके प्लांट फ्रोक बोलते हैं, ग्रेवल रैक बोलते हैं। ग्रेवल रैक इसलिए यूज करते हैं टू स्प्रेड ग्रेवल इजीली, और उसके ऊपर की जो धूल उठती है व्हेन यू डू साइफनिंग, फटक से आप इससे हिला के साइफनिंग से कर सकते हो। दिस इज ग्लास स्क्रेपर, जो फेमस चीज है टू स्क्रेप द अलगे फ्रॉम द ग्लास, और ये स्मॉल नेट, तो ये कोई भी अटैचमेंट आप ये दंडी को लगा सकते हो। सो इट कम्स विद 5 अटैचमेंट, तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड फाइन वन। Fine one cleaning set, तो ये आपको मिल जाएगा अराउंड 250 रुपीस में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा रीजनेबल प्राइस है, और अच्छा यूजफुल चीज है, आपको सब मिल जाएगा इसमें, नेट भी आ जाएगा, क्लीनिंग के लिए भी आएगा, और कैसे निकालते हैं सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। या बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, मतलब आपको 10 प्रोडक्ट लेने से अच्छा है ये आपका एक सेट हो जाता है पूरा। एंड रेट इज ऑल्सो चीपर, आपको मैं एक्सपेंसिव साइड वाले भी दिखाऊंगा, बट देन दिस इज अ बेस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। उसके बाद में हमारे पास है ये इलेक्ट्रिक बोयू का डिजिटल थर्मामीटर। ओके, अभी बोयू का डिजिटल थर्मामीटर में डिफरेंस ये है कि इट कम्स विथ सेल, मतलब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि वायर जाएंगी कैसे लगाएंगे, तो दिस इट इज अंडर वाटर, ये टैंक के अंदर लगेगा, द सकर विल बी टर्न्ड इनसाइड आउट, और ये वाला सेल इसके अंदर जाएगा। ओके, तो इट विल स्टार्ट शोइंग द डिजिटल टेम्परेचर। Okay, तो इसको वायर वगैरह कुछ नहीं है, इट इज वायरलेस, इट लुक्स यूनिक, मरीन टैंक जैसा फील देता है, और कोई ऐसा वायर का अगलीनेस नहीं आता है। तो दिस इज डिजिटल थर्मामीटर फ्रॉम बोयू। ओके ओके, तो ये आपको आ जाता है 500 रुपीस में। अच्छा, 500 का। ओके राइट, उसके बाद में हमारे पास एक यूनिक चीज आई है, दैट इज फ्रॉम डॉक्टी इज द ब्रांड नेम। तो ये आता है गप्पी कंडीशनर। अच्छा, तो बहुत से लोग बोलते हैं मेरे गप्पीज जो इम्पोर्टेड गप्पीज रहते हैं जिनकी टेल्स बड़ी रहती है, जो मेरे पास भी अवेलेबल है, वो बहुत लटक जाते हैं, दैट मींस दे आर नॉट एक्टिव, वो थोड़े से डीम हो जा रहे हैं, तो उनको क्या रीजन रहेगा, ये उनका क्वेश्चन रहता है। तो यूज दिस लिक्विड, दिस हेल्प्स टू मेंटेन पीएच एज वेल एज, जो आप अगर देखोगे यहाँ पे लिखा है रिड्यूसेस पीएच एंड इट क्रिएट्स रियली गुड एनवायरमेंट फॉर गप्पीज, जो बहुत जरूरी है क्योंकि इम्पोर्टेड गप्पीज लोग नहीं रख पा रहे। And the product price is only 120 rupees. और ये अच्छा खासा, मतलब उन्होंने प्रॉपर सिर्फ गप्पीज के लिए बनाया है, और ये है बेटा के लिए। ओके, इनका बेटा के लिए भी स्पेसिफिक आया है। दिस इज एनहांसिंग ब्रीडिंग, उसके बाद में टैनिन, ब्लैक वाटर का फिलिंग देगा, तो ये सब सोल्यूशन है। दिस इज ऑल्सो राउंड फिगर आपको 120 में आ जाएगा। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है ये, स्मॉल प्रोडक्ट्स है, लेकिन आपको लोगे तो वो फिश में डिफरेंस आपको फील हो जाएगा। एंड ये दो एक गप्पीज के फूड है, वन इज फ्रॉम एल्फिन एंड दूसरा टशर। टशर एक फेमस ब्रांड है फ्रॉम थाईलैंड, तो उसका भी फिश फूड हमारे पास अवेलेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। तो दिस इज वॉट आई एम यूजिंग राइट नाउ, और एल्फिन भी है जो इकोनॉमिकल है। दोनों के स्मॉल पैकेजेस अभी अवेलेबल है, विच कम्स फॉर 90 रुपीज ईच। तो छोटे पैकेज, लोगों को कभी कभी डाउट रहता है, हम लोग बड़े में इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहते हैं हमारा फिश खाता है कि नहीं। तो दिस इज स्मॉल पैकेजेस, 90 रुपीज में आप इन्वेस्ट करके देख सकते हो। डिफरेंस इफ यू सी, आप बड़ा पैकेज ले सकते हो। ये अच्छा खासा साइज है, गप्पी स्मॉल वैरायटी के फिश है, तो इट विल नॉट कंज्यूम, मतलब बहुत जल्दी पैकेट आपका खत्म नहीं होगा। ये पैकेट भी आपका 2 महीना चल सकता है। ओके, सो यहाँ पे साइफन पाइप्स भी अवेलेबल है, ऐसे वाले, ये देखिए। और एक यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का है यहाँ पे, तो ये कौन सी कंपनी का है?
So this is siphon pipe which is from China. Okay. Basically ये इसलिए use होता है, अभी ये siphon pipe का mouth is big. Yeah. और ये बड़ी टैंक्स के लिए इनफ है, लाइक 2 feet 1 feet वगैरह. लेकिन okay. कोई कोई अभी बहुत लोग ये माइक्रो सेटअप्स करने लगे हैं, मिनी सेटअप्स या एक्वास्केपिंग का. हाँ. तो ये पानी निकलने में ना बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज ये ज्यादा पानी खींच लेता है एंड ऑल द स्केप गेट डिस्टर्ब. तो इसलिए ये बनाया गया है वाटर एक्सचेंजर साइफन. okay. ये आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है. रीजन क्या है, इट इज वेरी यूनिक एंड स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट है, मतलब स्मॉल जगह कंज्यूम करेगा. सी देयर इज एन ग्लास पाइप जो आप साइफनिंग के लिए यूज करोगे और उसका ये ढक्कन मिल जाएगा. एंड इफ यू कनेक्ट द अदर एंड टू द पाइप आपका साइफनिंग चालू हो जाएगा. एंड आप इजीली छोटे टैंक में, बाउल में, जो जो छोटे मिनी स्केप है, सिलेंडर, नैनो टैंक्स में, एक्वास्केप के भी टैंक्स है आपके, राइट, उसमें यूज कर सकते हो टू क्लीन, मतलब जिससे आपका एक्वास्केप डिस्टर्ब ना हो. तो दिस इज ऑल्सो यूनिक प्रोडक्ट. बहुत लोग मेरे क्लाइंट्स जिनको पता है, जो मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में है, वो लेके गए हैं. तो हमारे पास 3-4 टाइप के साइफनिंग पाइप है, उसमें से ये दो है, ये स्मॉल वैरायटी के लिए और ये 2 feet या 1 feet के लिए. या तो एक अच्छा सा है वो, एकदम नैनो टैंक्स के लिए. या नैनो टैंक के लिए हाउ टू यूज पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. हाँ. इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना अटैच करने में ना निकालने में पानी. या तो यहाँ पे आपको हिकारी के भी सब फूड्स मिल जाएंगे. देखिए ये सिक्लेट बायोगोल्ड है, बड़े पैकेट्स है. फिर ये फूड स्टिक्स है जो आप मॉन्स्टर फिशेस के लिए यूज कर सकते हो. फिर हिकारी गोल्ड फिश गोल्ड है, वाइब्रा बाइट्स भी मिल जाएंगे, बड़े पैकेट्स भी है इसमें. और ये माइक्रो पैलेट्स है हिकारी के. फिर ये सिक्लेड एक्सेल्स है, सिक्लेड बायोगोल्ड है. फिर एल्गे वेफर्स भी मिल जाएंगे, ऑप्टिमम के भी आपको सब पैकेट्स मिल जाएंगे, क्विक रेड के और जो दूसरे भी आते हैं ये येलो वाले. सो ऑलमोस्ट आपको स्मॉल साइज से लेके बड़े साइज के पैकेट्स मिल जाएंगे. और ये हिकारी का टर्टल फूड भी है यहाँ पे. हिकारी का टर्टल फूड अभी बहुत शॉर्टेज है, लेकिन हमारे पास इनफ स्टॉक अवेलेबल है. आपको अगर कहीं नहीं मिल रहा है या मिल भी रहा है फिर भी आप मेरे इधर आके ले सकते हो. या और फिर प्रो मिल्स के भी आपको ये ड्राई मिल वर्म्स और मेडलिट्रेट सब मिल जाएंगे यहाँ पे पैकेट्स. फिर एक्वेटिक वेंचर्स के भी आपको ये श्रिम्प फूड्स है, सो ये भी मिल जाएगा आपको. फिर हॉलीडे फूड है, हॉलीडे फूड है यहाँ पे, टायो के, एनी के, और टैप टर्टल कंडीशनर्स है. या मैग्नेटिक डस्टर्स है जो हम लोग अलगे क्लीन करने के लिए, जैसे मेरे मेरे हर एक टैंक में लगे हुए है टू क्लीन टैंक फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड एट अ टाइम. या तो ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, हर एक साइज में, हर एक ग्लास एमएम के वाइज ये डिफर करता है मॉडल. सो रिमेम्बर दैट. कभी कभी मैं वीडियो में बोल देता हूँ 300 रुपीज, बट देन ये 800 रुपीज 900 रुपीज 1200 तक का भी आता है, डिपेंड्स अपॉन योर ग्लास एमएम. तो अगर आपका ग्लास एमएम आपको पता है तो मैं आपको राइट प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकता हूँ. देन वी हैव एरिएशन डिस्क. अगर छोटी टैंक्स के लिए चाहिए तो ये रिंग है. उसके बाद में अगर आपका 4 feet से 5 feet है तो इसके लिए ये है, 4 inches. अगर आपका 3 feet है तो ये है, 2 feet है तो ये है. सो दिस आर एरिएशन डिस्क जो बहुत एरिएशन देते हैं टैंक में, विच हेल्प्स टू मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर. या और ये क्या चीज है, ये बैग्स? तो दिस आर बैग्स फॉर बायोमीडिया. अभी बहुत से प्रोडक्ट्स अभी मिलने लगे हैं बायोमीडिया, बट दे डजंट गिव यू बैग्स. बैग्स नहीं आ रहे. तो ये अभी नए वैरायटी के बैग्स आए हैं फॉर बायोमीडिया, जो कैनिस्टर में, टॉप फिल्टर में आपको बायोमीडिया रखना है. और कभी अगर सिरेमिक रिंग और सिरेमिक रिंग एक्टिवेटेड कार्बन रखना है, क्योंकि समटाइम्स यू नो अगर आपके फिशेस को मेडिकेशन की जरूरत है तब आपको बायोमीडिया निकालना, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर. तो हर एक बायोमीडिया अगर आप अलग रखोगे तो निकालना मुश्किल हो जाता है. तो दिस आर द बैग्स विच आर यूज्ड. या और आप ऐसे अगर आपका लोटेक का टैंक सेटअप है तो उसमें भी आप इसमें कुछ अच्छा पावर सैंड डाल के राइट नीचे ये कर सकते हो. या अगर आपको टिल्ट सेटअप बनाना है, थोड़ा हाई बेस बनाना है आपका बॉटम या पीछे का अगर बड़ा बनाना है, तो दिस यू कैन यूज स्टोन आपको डाल के हाइट बढ़ाने के लिए हमें काम आ सकता है. या अच्छा खासा इसका साइज कुछ 5 inch तक रहेगा. आपको बड़े साइज भी अवेलेबल है. ओके, बड़े बैग्स भी और इससे बड़ी साइज भी अवेलेबल है. मतलब दैट मींस 3 sizes ऑफ बैग्स आर अवेलेबल. ओके. और ये हमारे क्लीनिंग का टूल है. अच्छा, कैनिस्टर के अंदर के कैनिस्टर के अंदर के पाइप जो ग्रीनिश कभी कभी अलगे दिखते है, इट लुक्स अगली, तो वो क्लीन करने के लिए टूल अवेलेबल है. ये क्या, दिस इज टर्टल प्लेटफॉर्म. अगर टैंक किसी टैंक में आप टर्टल रखना चाह रहे हो तो इट इज एडजस्टेबल हाइटेड. ये वैक्यूम से
ग्लास को अटैच होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन आपको कौन से हाइट में रखना है, पानी कितने लेवल पे रखना है आप ऊपर, क्योंकि अगर फिक्स ग्लास आपने सिलिकॉन से कर दिया तो देन अगर आपको फ्यूचर में बड़ा टर्टल हो रहा है और आपको साइज ऊपर करना है तो नहीं हो सकता. तो दिस इज मूवेबल, दिस इज यूनिक प्रोडक्ट, बहुत से लोग लेते हैं ये एंड दिस कम्स ओनली फॉर 150. ओके, तो ये अच्छा है आपके टर्टल टैंक्स के लिए. राइट, एंड देन देयर आर टूल्स ऑफ एक्वास्केपिंग का सेट है पूरा, और ये ऐसा पाइप भी है जो आपको टैंक में भरने के लिए यूज होएगा. राइट, या दिस आर जे पाइप्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फिलिंग टैंक. हम आपको पाइप पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, बस इसे लगा के रख के आप पाइप कनेक्ट कर सकते हो. कोई भी साइज का पाइप कनेक्ट हो जाता है, हाफ इंच से लेके पौना इंच सब. ओके ओके, इट कम्स फॉर 350 रुपीज. ओके ओके, ये भी बहुत यूजफुल है. एंड देन देयर आर एक्वास्केपिंग टूल्स एज वेल. ओके, ये पूरा सेट है एक्वास्केपिंग टूल, 8 इंच के हाइट का टूल्स है हमारे पास, 12 इंच का भी है. ओके, तो व्हाट ऑल इट इज कमिंग ये आपको पूरा दिखाया गया है, बैंड सीजर, स्ट्रेट सीजर, ट्वीजर्स, ट्वीजर्स, साइड बेंडर, स्क्रैपर, आपको सब मिल जाता है इसमें. देयर आर अराउंड 6 आइटम्स, 6 आइटम है. तो ये नैनोस्केप के लिए, क्योंकि इसकी हाइट 8 इंच है, 8 इंच की है. अगर आप थोड़े हाइटेड टैंक है तो आप 12 इंच की ले सकते हो, और उससे भी हाइटेड है तो हमारे पास एक्वेटिक वेंचर्स का लूज में है, अलग अलग सिंगल में मिल जाएगा. हाँ, सिंगल में तो वो एक और भी अच्छा है. राइट, आपको बस सीजर चाहिए तो सिंगल में मिलने वाला सीजर भी है, और ओनली स्क्रैपर चाहिए तो ओनली स्क्रैपर भी मिल जाएगा. ट्वीजर चाहिए तो ट्वीजर भी सिंगल में मिल जाएगा. तो सिंगल और ये पूरा सेट है. सो ये पूरा फूड का सेक्शन था एक साइड का, और यहाँ पे सब आर्टिफिशियल प्लांट्स भी आपको मिल जाएंगे जिनको एकदम लो टेक के भी प्लांट्स नहीं रखने, तो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स अवेलेबल है. सब स्मॉल साइज के भी है, ये देखिए एकदम स्मॉल है ये, ये देखिए इस 2-3 इंचेस करेंगे. और ये आर्टिस्टिक यहाँ पे आपको ड्रिफ्टवुड्स मिल जाएंगे जिन पे प्राइस टैग लगा हुआ है और उसका वेट भी लिखा हुआ है. सो ये शेप आप देख सकते हो, ये जैसे कि अभी ये बता दूँ ये 1 फीट का है, तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो एकदम होल्स होल्स है इसमें भी पूरे. फिर ये भी एक आर्टिस्टिक ड्रिफ्टवुड है पूरा, इसका शेप देखिए, और ये भी हाइट में 1.25 फीट के आसपास रहेगा. फिर ये एक ब्यूटीफुल सा वुड है यहाँ पे ड्रिफ्टवुड, ये देखिए. तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वुड का वेट भी लिखा हुआ है इन्होंने, 3 kg 850 grams है. सो ऐसे अलग अलग वेट्स के आपको वुड मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये कुछ 2 kg 750 grams का है ये वुड, और इसका डिज़ाइन और ये बहुत ही आर्टिस्टिक है. और ये एक यूनिक सा एकदम ड्रिफ्टवुड है, ये साइड से मैं बोल दूँ आपको 1.25 फीट से थोड़ा बड़ा रहेगा लेंथ, और हाइट में 10 इंचेस रहेगा. ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें प्लांट्स डालेंगे तो और ही एकदम राइट right, ये प्लांट्स अगर आप जावा मॉस या प्लांट्स लगाते हो तो बहुत इसमें वेट भी दिया गया है. दिस आर स्टोन्स, सीरू रॉक जो बोलते हैं, सीरू रॉक्स भी हमारे पास लूज में अवेलेबल है, हम आगे दिखाएंगे. तो ये ड्रिफ्टवुड है अलॉन्ग विद बोनसाई लुक. तो अगर किसी को 1.5 फीट का टैंक, 2 फीट का टैंक सेटअप करना है, इट विल लुक अमेजिंग इन द टैंक, यू कैन सी. या पूरा एकदम अच्छा लुक आ जाएगा ये, तो 2 से 2.5 फीट के टैंक के लिए बेस्ट है ये सेटअप, बहुत अच्छा दिखेगा ये. या और बाकी भी वुड्स है वो बहुत यूनिक है जो यहाँ पे रखे हुए है एक साइड में. सो ये देखिए, ये सब रिवर स्टोन है, सब ये सबस्ट्रेट का स्टॉक है यहाँ पे. फिर थोड़े से कलरफुल व्हाइट एंड ब्लैक में स्टोन है, फिर बड़े रिवर स्टोन भी है ये गोल्ड में, और यहाँ पे सिरायू रॉक्स भी आपको मिल जाएंगे ये. फिर ऐसे सैंड्स भी है, और ये ब्लैक चिप्स है यहाँ पे, ये देखिए. तो ये भी अवेलेबल है यहाँ पे, और कलरफुल स्टोन्स है. फिर ऐसे ये वाइटिश में भी स्टोन्स अवेलेबल है थोड़े बड़े साइज के, और ये भी है स्मॉल साइज के भी वाइट स्टोन्स है. तो ये देखिए, ये ब्यूटीफुल सा एक ड्रिफ्टवुड है यहाँ पे, ये कुछ अराउंड 1.5 फीट तक रहेगा, 1.5 से 2 फीट तक है, 2 फीट है ऑलमोस्ट साइज इसका. और ये ऐसा इसमें पूरा प्लांट्स इसमें लगा सकते हो, अच्छा खासा इसमें होल्स होल्स है. तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए, ये दूसरा साइड है इसका. तो ऐसे टैंक में क्रॉस रखोगे तो बहुत अच्छा यूनिक लगेगा. फिर ये एक अलग सा ड्रिफ्टवुड है, ये देखिए. तो बहुत से ऐसे यूनिक ड्रिफ्टवुड यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, और ये कुछ बड़ा है, ये 2 फीट तक रहेगा. और ये देखिए इसका शेप, बहुत अच्छा सा यूनिक शेप है, ये भी ऐसा कर्व्ड हो रहा है थोड़ा सा. इसमें भी प्लांट्स और ये डालेंगे, लो टेक के लिए भी बहुत अच्छा वुड्स है ये सब. और यहाँ पे सब ये रॉक्स है, इसमें भी लावा रॉक्स है, कुछ होल रॉक्स है, ये देखिए सिरायू रॉक्स भी है इसमें,
और कुछ आपको ऐसे स्मॉल डिटेलिंग के लिए ड्रिफ्ट वुड्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, जो ऐसे स्मॉल साइज के हैं, और विनाइल्स भी है आपको ब्लू ब्लैक वाइट, और ये पूरा यहाँ पे सब आपको डॉग फूड पेडिग्री से लेके ये मियो कैट फूड्स भी मिल जाएंगे, और इनके एसेसरीज भी मिल जाएंगे आपको, और नेक स्ट्रैप्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए ये कॉम्ब्स है और शैम्पूज है हिमालय के, ये देखिए। तो इसमें अलग अलग ब्रांड के शैम्पूज भी है अवेलेबल, और ये ऐसे स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, टॉयज भी मिल जाएंगे इनके। ये पूरा यहाँ पे इनका डॉग फूड और कैट फूड है और टॉयज है, और नीचे ड्रिफ्ट फूड जो मैंने आपको दिखाया, फिर ये साइड में भी पूरा यहाँ पे ड्रिफ्ट फूड्स है और कुछ यहाँ पे भी फूड्स है, और ये सब सैंड और सबस्ट्रेट्स है, और ये पूरा फिश फूड सेक्शन है। तो हमने आपको सब टैंक्स तो दिखा दिए ये साइड के, और ये देखिए एक यहाँ पे भी रैक है जिसमें आपको ये सब टायो के सब मिल जाएंगे, टर्टल फूड से लेके फिश फूड तक, फिर ओकीको और अंबर के भी है इसमें, और ये ऐसे स्मॉल साइजेस के आपको नेट भी मिल जाएंगे जो आप ये श्रिम टैंक में भी यूज कर सकते हैं। राइट ये एक यूनिक स्टेम्स नेट्स है जो वुड फिनिशिंग में आ जाते हैं, यूज फॉर श्रिम्स बेटास वगैरह। अगर आपको बेटा पकड़ना है तो जिसको पानी भी जरूरत है, बिकॉज बेटास के फिन्स टूट जाते हैं, दिस आर नेट जो पानी भी होल्ड करते हैं। तो ये वाले नेट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, ये वाले वुडन फिनिशिंग वाले भी अवेलेबल है, जो दोनों आपको मिल जाएंगे। एंड देन देयर आर सम जो मैंने लूज में एक्वास्केपिंग टूल्स है, हाँ ये एक्वेटिक वेंचर्स के, ये भी आपको मिल जाएंगे, ये बड़े साइज के 10-10 इंच या 1 फीट तक रहेंगे। इसमें ट्वीजर्स और सीजर्स भी है और बेंड ट्वीजर्स भी है, ये देखिए। और ये भी मिल जाएगा आपको, ये इंस्टा का अलगे स्क्रैपर है। हाँ। ग्लास आपको स्क्रैप करने के लिए चाहिए। हाँ। लोग बहुत से ढूंढते आते हैं कि हमें अलगे ग्लास का निकालने के लिए बस एक टूल चाहिए, हमको पूरा सेट नहीं चाहिए। हाँ। तो आपको एटी एक्विटिक्स में मिल जाएगा, सिंगल सिंगल टूल भी अवेलेबल है। तो काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पे एसेसरीज भी मिल जाएंगे। तो आपको मैंने सब टैंक्स तो दिखा दिए, पर अभी पूरा ये राइट साइड में एक सेक्शन है, ये देखिए, तो जिसमें आपको कैनिस्टर फिल्टर्स भी मिल जाएंगे आपको। फिलहाल अभी यहाँ पे एएम के है 250-350, और भी आने वाले हैं कैनिस्टर्स, और ये विनस एक्वा के हैंग ऑन फिल्टर्स है यहाँ पे, ये ट्रांसपेरेंट है। फिर ये वाटर पम्प्स भी अवेलेबल है, फिर यहाँ पे आरएस के ये हैंग ऑन फिल्टर्स हैं, RS 3000 और 4000, और कुछ यहाँ पे सब नैनो टैंक्स है जो आप अपने बीटास के लिए यूज़ कर सकते हो, ये भी सब आरएस के ही है। और कुछ मैं आपको इसमें से ओपन करके दिखाऊंगा, कुछ यूनिक से आपको जो टैंक्स है, और ब्रीडिंग टैंक्स बोल सकते हो, जैसे कि ये आजू का एक है, फिर यहाँ पे एक आरएस का भी है, ये कुछ रहेगा 7-8 इंचेस का, फिर बीटास के आपको ऐसे टैंक्स मिल जाएंगे, और ये सिलेंड्रिकल टैंक्स मिल जाएंगे आपको विद पार्टीशन, जो बहुत ही यूजफुल है, ये देखिए। तो इनमें ऑलरेडी एक पार्टीशन है जो आप अपना फिल्ट्रेशन पार्ट बैक साइड में रख सकते हो, और जो भी फिल्टर मीडिया है लगा सकते हो, और आगे आप अपना बीटा रख सकते हो। हाइट में ये भी कुछ 7-8 इंच है, डायमीटर इसका 5-6 इंच का है, और ये बड़े साइज में भी अवेलेबल है सिलेंड्रिकल, ये कुछ रहेगा 1 फीट से थोड़ा बड़ा, 1.25 फीट तक। तो ये जगह भी नहीं लेगा, और आपका बीटास भी आप रखोगे सब जगह से प्रॉपर एक टॉप लाइट रखोगे तो अच्छा दिखेगा। और ये देखिए ये ग्लास का भी अवेलेबल है, सो जिनको एकदम ऐसे ग्लास के चाहिए तो, और ये भी साइज में 1 फीट तक रहेगा, सो बहुत ही यूनिक है ये सब। तो इसमें बड़ा भी है, राइट बड़ा भी है, स्क्वायर में भी मिल जाएगा आपको। ओके लंबा तो ये स्क्वायर वाला है, राइट। सो ये देखिए ये भी 1 फीट से थोड़ा बड़ा है ये, और ये कितना मोटा है ये देखिए, आप देख सकते हो। तो इसमें भी आप अपना ऐसा बीटास और कुछ लोटेक के प्लांट्स डाल के कर सकते हो, या गप्पीज डाल सकते हो, तो अच्छा खासा इसमें वाटर कैपेसिटी है। सो ये सब साइलेंट एयर पंप है सोबो के, तो इसमें बड़ा साइज भी अवेलेबल है, ये देखिए SB 860। सो जिनको ज़्यादा नॉइज़ नहीं चाहिए तो ये साइलेंट भी मिल जाएंगे आपको। फिर मिस्ट मेकर है, ये भी अवेलेबल है, और ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, रेप्टाइल यूवी लैम्प, तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। फिर हैंग ऑन फिल्टर्स है आरएस के, और बोयू के ये इंटरनल फिल्टर्स है, फिर वेव मेकर है सनसन का,
वेव मेकर की स्पेशलिटी क्या है? अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें वेव मेकर चाहिए टैंक्स के लिए, हाँ, एक फीट दो फीट के लिए, बट देन बड़े वेव मेकर्स प्रॉब्लम बहुत करते हैं बिकॉज इट हैज टू मच ऑफ पावर। तो अभी ये सनसन की वैरायटी है जो बहुत स्मॉल है, आप देख सकते हो। तो ये वेव मेकर बहुत से लोग अभी भी सर्च कर रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे छोटे वेव मेकर, सबसे साइज में छोटे होने चाहिए, बड़े वेव मेकर्स तो मिल जाते हैं कहीं भी, छोटे चाहिए। तो ये हमारे पास एटी एक्वेटिक्स में अवेलेबल है, सबसे छोटा वेव मेकर, आप कभी भी आकर देख सकते हो। और वेव मेकर का काम ये होता है टू क्रिएट मोर एजिटेशन इन वाटर, तो आपका फिशेस बहुत फ्रेश और एक्टिव फील करता है। हाँ, ये ऐसा आप अंदर से साइड में लगा सकते हो टैंक है, साइज अराउंड 3.5 इंच रहेगा, राइट 3.5 इंच की साइज है ये। या और थोड़े और, बड़े साइज में सोबो में भी है ना, सोबो में बड़े साइज में है, डबल आपको वेव मेकर। अच्छा, ये डबल वाला है जो बड़े टैंक्स 3 फीट के लिए काम आ जाएगा, 4 फीट 5 फीट तक काम आ जाएंगे, तो वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। एक्सेसरीज आपको बहुत सी वैरायटी अभी मिलने वाली है, यू विल नॉट हैव टू सर्च एवरीवेयर, आपको सब एक जगह पे मिल जाएगा। जैसे इंटरनल फिल्टर्स हुए, डिजिटल थर्मोमीटर, ये भी थोड़ा यूनिक सा डिजाइन है, ज्यादा जगह नहीं लेगा। ये देखिए कॉर्नर फिल्टर बोलते हैं, ये एक कॉर्नर में सोबो का है। इसमें भी 3 मॉडल्स आते हैं, तीनों अवेलेबल है हमारे पास। ओके, थोड़ा बड़ा साइज भी है जो बैक साइड में है, ये देखिए। और ये हीटर्स की पूरी रेंज अवेलेबल मिल जाएगी आपको। ये टेम्परेचर भी बता रहा है ना ये? या ये टेम्परेचर भी बताता है और हीटर भी है। हीटर भी है ये, यूनिक है, 2-in-1 या आरएस का। और कुछ और भी आपको यहाँ पे स्पॉन्ज फिल्टर्स मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये सब प्लांटेशन सॉइल्स है, जो ये यहाँ पे मास्टर सॉइल बोल सकते हैं। तो ये कितना केजी करेगा? ये 8 लीटर है, दैट मींस अराउंड 7.2 और 7.5 केजी। अच्छा, ये आपको है 3 केजी में भी अवेलेबल है। हाँ, ये देखिए 3 केजी का है यहाँ पे। एंड देन देयर इज एक्वेरियम ग्रेवल फ्रॉम डोजो से, तो ये भी अच्छा ब्रांड है। इट इज एक्वेरियम बेस, हम लोग प्लांटेशन में भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल इसमें भी यूज कर सकते हैं। क्लीन और पीएच बैलेंस लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, राइट। तो ये एक्वेरियम ग्रेवल रिवर सैंड जैसे ही हो गया, नेचुरल एकदम, राइट। और अगर आप देखते हो, हमारे पास नॉर्मल ग्लास के बेटा सेक्शन वाले टैंक्स भी है, जिनको ज्यादा टैंक्स में रखना है बीटा अलग अलग, राइट। ये 4 सेक्शन का है, ये 2 सेक्शन का है। या रेडीमेड आपको मिल जाएगा ये टैंक्स, ये वाले भी है, एक्रेलिक वाले भी है हमारे पास अवेलेबल। तो अगर आपको चाहिए आप आ जाओ, ये भी एरिएशन का पंप है। अच्छा, दिस इज फ्रॉम यी, ये भी बहुत सुपर साइलेंट है। ओके और जो लोग क्लेम करते हैं सुपर साइलेंट एयर पंप्स का, मैं गारंटी देता हूँ ये आपका कंफर्म सुपर साइलेंट है, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट लेके गए हैं एंड दे हैव, उन्होंने फीडबैक दिया है मुझे ओके, बहुत अच्छा है ये, इट इज सुपर साइलेंट। ओके, एक ओपन करके आप दिखा सकते हैं, एंड इट लुक्स वेरी कॉम्पैक्ट। तो ऐसा एकदम व्हाइटिश है, व्हाइट कलर में है, एंड इट इज वेरी स्मॉल ओके इन साइज, लेकिन एयर प्रेशर इज सेम लाइक 1 सिंगल आउटलेट का एयर पंप। ओके तो ये देखिए, ये 4 फीट का टैंक भी सेल के लिए है, ये व्हाइटिश कलर में है, इसमें फिल्टर भी है अंदर, लाइट भी है और टॉप फिल्टर है, और कुछ इधर बाउल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, सब 8 इंचेस 10 इंचेस 1 फीट के सब बाउल्स मिल जाएंगे। और ये क्या है, फिश बाउल का फिल्टर है? दिस इज फिश बाउल फिल्टर, तो लोगों को बाउल जल्दी साफ नहीं करना है, तो दिस इज फिल्टर, ये बेस में मिल लग जाता है, एंड उसकी स्टिक पीछे खड़ी होती है सेम लाइक दिस। ओके, तो ये फिश बाउल का फिल्टर भी हमारे पास अवेलेबल है, बट मिनिमम साइज आपका 10 इंच होना चाहिए, उससे छोटे बाउल को नहीं लगेगा ये। अच्छा, ये मतलब नीचे बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा, यू कैन यूज फॉर सिलेंडर एज वेल, यू कैन यूज छोटे टैंक्स के लिए भी यूज कर सकते हो आप। और इसमें बबल जैसा भी आएगा? या इधर से बबल्स आएंगे, एंड दिस इज द एक्टिवेटेड कार्बन जो आपका वाटर क्लीन रखने में मदद करेगा। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा है, यूनिक है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं तो देख रहा हूँ ये। राइट बहुत सी चीजें आप फर्स्ट टाइम देखोगे, क्योंकि मैंने अभी बहुत सी वैरायटी ऐड की है हमारे ड्राई सेक्शन में, तो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी हम आपको भी निकाल के दिखाएंगे। और ये वॉल वाला है ना? या दिस इज ऑल्सो वॉल का, 9 इंच का है ये 9 इंच में है, बट स्पेशलिटी ऑफ दिस इज इसके साथ हमें एलईडी लाइट भी फ्री मिलती है। ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी लाइट, ये ऊपर ऐसा बैठ जाएगा, ये आपका अटैच हो जाता है। हाँ, इट लुक्स अमेजिंग, इजीली रह लेते हैं बेडरूम में या कहीं भी रख सकते हो, राइट। तो ये देखिए, ये आजू का ब्रीडिंग बॉक्स आप बोल सकते हो, ये आइसोलेशन बॉक्स, ये ऑलमोस्ट 1 फीट का है ये,
और एकदम स्क्वायर में है और सब जगह पे इसके ऐसे होल्स हैं, ये देखिए। तो वो पानी आपका यहाँ से साइड से भी अंदर बाहर जाएगा और ये फ्लोट भी होएगा क्योंकि इसमें ऐसे पाइप्स जैसे इन्होंने ये लगा के रखा है, ये देखिए। तो ये फ्लोट भी हो जाएगा आपके टैंक में, या जो आपको चिपका के रखना है तो ये चिपकाने का भी ऑप्शन है। तो ये देखिए दिया हुआ है इन्होंने, अंदर साइड में आप टैंक के चिपका सकते हो और पार्टीशन भी आप अगर निकालना है तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, साइड का पार्टीशन भी निकल सकता है। Okay. कभी कभी फिशेस को हाइडिंग करने के लिए, क्योंकि ये टैंक के अंदर पूरा यूनिट लग जाएगा। या तो बहुत यूनिक है, आजू ब्रांड से बनाया हुआ है एंड इट इज रियली यूजफुल प्रोडक्ट। या तो अच्छा खासा है और इसका हाइट भी मैं बोलूं 6 इंचेस तक है। सो ये देखिए ये सब टायो के टर्टल फूड्स है और ये बड़े साइज में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 1 kg के है ये सब टायो के। और इसमें हेलो फिट्स के आपको ड्राई ब्लड वर्म्स मिल जाएंगे और ये फ्रीज ड्राई वर्म्स भी है, मतलब टीबी फ्लेक्स वर्म। इसमें भी बड़े बॉटल थे, स्मॉल बॉटल थे। और टायो के यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फूड मिल जाएंगे आपको, फिश फूड्स। फिर ये WA का ये सिकलेट्स के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पे, ये देखें। फिर AHM के टर्टल स्टिक्स है और अलग अलग टायो के प्रो रिच भी है जो टर्टल्स के लिए है। और नीचे ये सब सोबो के एयर पम्प्स हैं और यहाँ पे RS के हैं और ये सब एनी के हैं फूड। फिर टायो के हाई रेड भी है और अरवानास के लिए भी है स्पेशल वाले जो है। फिर आपको ये एलगे वेफर्स जैसे भी मिल जाएंगे टायो के, तो इनका भी अच्छा खासा स्टॉक है। और डिस्कस के लिए भी है टायो बिट्स। और ये जो सब टैंक्स में इन्होंने लगाए हुए हैं ये सब वही बायो स्पॉन्ज फिल्टर्स हैं, तो इसमें भी अलग अलग साइज अवेलेबल है, सिंगल आउटलेट वाले भी है, ये देखिए। और ये मेंटेन करने को भी बहुत इजी है, राइट? राइट, ये बहुत इजी है। डिस्कस या कोई भी फिशेस के टैंक में आप लगाओगे तो गंदगी बहुत नीचे जमा नहीं होगी, इट इज वॉल माउंटेड, तो बहुत अच्छा क्लीन लुक देता है ये टैंक्स को। या तो हर साइज में 4 feet से लेके 1 feet तक सब साइज में अवेलेबल है। एंड देन वी हैव ड्यूअल आउटलेट ऑफ वीनस, ओके, RS, दोनों का ड्यूअल आउटलेट है। कोई कोई बोलते हैं वीनस अच्छा चल रहा है, कोई कोई RS अच्छा चल रहा है बोलते हैं। तो हर एक टाइप का हमने रखा हुआ है टू जस्टिफाई थिंग्स के किसी को किसी चीज की कमी ना हो। या सो होपफुली वी एक्सपेक्ट टू वॉक इन, मतलब विजिट करो आप और थोड़ा देखो। बहुत सी चीजें हम वीडियो में मिस आउट कर सकते हैं, तो रिमेम्बर दैट यू कैन, अगर आप आओगे तो अच्छी आइडिया मिल जाएगी। जैसे ये स्क्रैपर है, स्क्रैपर है ये मेटल का, ये ऑलमोस्ट 1.5 feet का रहेगा और इसमें आपका नॉर्मल रेजर ब्लेड लगता है। तो ये भी आपका चीप प्रोडक्ट है, 450 rupees में है, जिसमें अपना शेवर ब्रेड आप हमेशा चेंज कर सकते हो 1 rupee वाला, एंड देन यू कैन यूज टू स्क्रैप द टैंक। ओके तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत यूजफुल है और आपको हमेशा मिलते रहेगी हमारे इधर। या और ये देखिए ये पूरा यहाँ पे शो पीसेस का सेक्शन है। सो ये देखिए ऐसे बुद्धास के आपको ये ऐसे फेस भी मिल जाएंगे और ये ऐसा स्लीपिंग बुद्धा का भी आपको ये मिल जाएगा। ये सब फाइबर्स के हैं और अलग अलग साइज में अवेलेबल है। ये भी मैं बोलूँ ये साइज 1 feet से थोड़ा बड़ा साइज है ये, और इसमें भी आप प्लांटेशन एक्वास्केप टैंक्स में डालोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत यूनिक लुक आएगा, क्योंकि ये पानी में जो भी शो पीस आप देखोगे ये पानी में बहुत अच्छे दिखते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल हमारे ड्राई में। या और ये भी अच्छे अच्छे यहाँ पे बुद्धास के है, ये देखिए। तो इनका भी साइज में बोल दू 4 inches तक साइज है, और इनमें भी आप साइड से पूरा बैकग्राउंड में प्लांट्स रहेगा तो एक अलग लुक आता है, कॉन्ट्रास्ट ये हो जाता है व्हाइट एंड ग्रीन का। और फेस भी अच्छे अच्छे यूनिक से है, ये देखिए अच्छे फिनिशिंग के, तो अच्छा खासा स्टॉक है। और ये भी एक अच्छे से ब्यूटीफुल से देखिए अलग अलग है, जो अगर बाउल में कुछ शोपीस छोटा सा लेकिन यूनिक रखना चाहते है तो दिस इज अवेलेबल। या और कुछ फाइबर के शोपीसेस भी है यहाँ पे अवेलेबल, ये देखिए। और ये ऐसे पॉट्स अवेलेबल है जो हॉलो पॉट्स है, और आपको यूवी बल्ब भी मिल जाएंगे। अगर फ्यूचर में आपका यूवी रेप्टाइल लैम्प का कोई बल्ब खराब हो जाता है तो यू डोंट हैव टू बाय होल सेट, हमारे इधर सब वैट के 50 watt 75 watt दोनों वैट के बल्ब अवेलेबल है। okay, आपको उससे ज्यादा वैट का भी चाहिए तो भी वो अवेलेबल है, बड़ी साइज में अगर आप देखते हो
तो वो वाला भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। हो जाएगा, ओके ओके। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल कि अगर बल्ब आपका खराब हो तो आप कहाँ ढूंढे, अमेजोन से मंगाने से अच्छा जिसको आप 7 दिन वेट करोगे, मेरे इधर आप वॉक इन करो और वीफास्ट करो, आपको 1 दिन में सब कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा। एंड देन देयर इज आल्सो वन मोर यूनिक प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड लो वाटर फाउंटेन फिल्टर, दैट इज फॉर टर्टल ट्रीज। ओके। अगर आप टर्टल का टैंक है आपका, टब है, लेकिन आपको हमेशा उसको रोज साफ करना पड़ता है, लेकिन आप दिक्कत हो रही है, तो दिस इज द वे इट इज, ये ऐसा बैठ जाता है। इसका बस नीचे का पोर्शन है जो पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए, बाकी का इट फॉल्स लाइक वाटरफॉल। तो एक यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत जगह कहीं नहीं मिलेगा ये, अभी न्यूली लॉन्च आप बोल सकते हो ये, और बहुत अच्छी तरह ये यूज होता है अगर आप बाउल में या सॉरी टैंक में या फिर टर्टल के इसमें। और बस टर्टल में यूज करने की जरूरत नहीं, आप फिशेस में भी यूज कर सकते हो ये। दिस इज हाउ इट लुक्स, ये ऐसा रहता है, दिस इज अ सक्शन ताकि आपका कुछ कोई अटके ना, एंड देन हाँ जी ये आप रोटेट करोगे तो मैक्स इधर से फ्लो आएगा, सेम लाइक हैंग ऑन बैक फिल्टर, तो ये फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, और वो आपका पानी बस ये लेवल पे होना चाहिए। अच्छा, बस उतना तक। ओके। तो आपकी किसी भी टब में आपने टर्टल रखा हुआ है, क्योंकि आप हमारा ऑलमोस्ट शैलो टैंक के लिए यूज करते हैं, राइट, शैलो टैंक के लिए, क्योंकि ये आप कम वाटर लेवल के लिए यूज करोगे एज एन टर्टल, सो ये आपका बहुत यूनिक प्रोडक्ट है जो आपका पानी क्लीन रखेगा। सो ये देखिए यहाँ पे सब ये शो पीसेस है, सो ऐसे हॉलोज है जिसमें आप अपने फिश टैंक में रख सकते हो, सब पम्पकिन का ये लुक है इसका, और ये ऐसे प्लैकोस के लिए भी है, पीछे क्लाउन फिशेस के लिए भी है, तो देखिए ऐसे पाइप्स मिल जाएंगे आपको ये, और ये आप प्लैकोस के लिए यूज कर सकते हो, ब्रिसल नोज प्लैकोस के केव्स है ये। ये भी बहुत यूनिक है, बहुत लोग ढूंढते रहते हैं, हमारे पास एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है अभी। ये देखिए ये भी टर्टल का एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप थोड़ा यूनिक देख रहे हो छोटे टर्टल के लिए, तो ये एक अवेलेबल है फाइबर में। एंड देन देयर आर ग्रूट्स और कुछ ऐसे हॉलो के वापस यहाँ पे शिप्स है, सो दूसरा पार्ट भी है इसका, तो ये भी अवेलेबल है। ये देखिए ब्रीडिंग बॉक्स, तो जो लोग कभी कभी ढूंढते रहते हैं ब्रीडिंग बॉक्स चाहिए वगैरह, तो दिस इज फ्रॉम इंस्टा, ये भी अवेलेबल है अभी। ओके। हैंग ऑन बैक फिल्टर फॉर स्मॉलर टैंक, इंटरनल फिल्टर फॉर स्मॉलर टैंक्स, माइक्रो सेटअप, नैनो सेटअप, लाइट फॉर नैनो सेटअप। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें मैग्नेट चाहिए लेकिन कम जगह लेनी चाहिए, सो दिस इज द साइज ऑफ दिस मैग्नेट, बहुत ही स्मॉल साइज है, अच्छा, बहुत यूनिक चीज है, बहुत लोग लेके जा रहे हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट मैग्नेट यू कैन एवर गेट। ओके ओके। सो ये आप अपने बाउल्स में या नैनो टैंक्स में भी लगा सकते हो। चार्जेबल एयर पंप, ओके, जो आपका 4 घंटे का चार्जिंग देगा, इट इज लाइक मोबाइल चार्जर, आप लगा दो, एंड इफ यूर लाइट यू हैव पावर कट प्रॉब्लम तो आप ये ले लो, एंड देर इज वन मोर मॉडल, ओके, जो हमारा टॉर्च सेल के ऊपर चलता है। या तो ये भी एरिएशन ऑक्सीजन मशीन अवेलेबल है, क्योंकि जिनकी इधर लाइट ज्यादा जाती है लोगों को प्रॉब्लम होती है टू कीप फिशेस अलाइव, तो ये सब सॉल्यूशन हमारे पास अभी आपको मिल जाएगा। मिल जाएंगे। सो काफी यूनिक से लैंप्स भी अवेलेबल है, और ये भी एक अच्छा सा इंटरनल फिल्टर है, इसमें ऊपर से ये यहाँ से पानी ये उतरेगा, तो ये ज्यादा फ्लो नहीं देगा। बहुत से लोगों को स्ट्रगल होती है कि छोटे टैंक में हम लोग इंटरनल फिल्टर कौन सा लगाए ताकि फिशेस स्ट्रगल ना करे स्विमिंग के लिए, तो दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो अ सॉल्यूशन। एंड देन ऑल पावर हेड्स आर अवेलेबल। आपका इंपोर्टेड टैंक्स का या फिर टॉप फिल्टर का पावर हेड खराब हो जाता है, तो यू डोंट गेट ऑल द मॉडल्स, तो हमारे इधर सब मॉडल्स मिल जाएंगे फ्रॉम RS 720, 730, 740, 750, सब टैंक्स में फिट होगा। दिस इज K1 मीडिया का एक ग्रोलर क्लीनर है, जो आपका पानी क्लीन रखने में, बैक्टीरिया लेवल ऊपर रखने में मदद करेगा। दिस इज ऑल्सो एन साइफनिंग पाइप, यूनिक साइफनिंग पाइप। तो चीजें अगर यूनिक चाहिए, एटी एक्वेटिक्स इज अ लोकेशन, आप आ जाओ, गूगल मैप करो नए लोकेशन कहाँ पे है, मेरे पुराने शॉप के नजदीक ही है, इफ यू कम एंड कॉल मी अप आई विल ऑल्सो गाइड यू, तो आप गूगल मैप करोगे तो डायरेक्ट आ सकते हो, देर इज नो इशू फॉर पार्किंग वगैरह। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग कार लेके आएंगे तो प्रॉब्लम है क्या, देर इज नो इशू, आप कार लेके आओ, बाइक लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सब आपको एपीआई से लेके सीकेम का और एक्वा नेचर के सब आपको प्लांट फर्टिलाइजर से लेके सब आपको मिल जाएगा। सो इसमें सीकेम में क्लैरिटी है, प्राइम है,
स्ट्रेस गार्ड है, ये देखिए, तो ये सब मिल जाएंगे आपको। और ये एक्वा नेचर के फ्लोरा कंप्लीट है, जो इनका ऑल इन वन प्लांट फर्टिलाइजर है, ये मिल जाएगा। स्नेल किलर मिल जाएगा, जंगली स्नेल्स बहुत हो जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको ये ऐसे प्रेस करके यूज़ करना है। फिर ब्लैक वाटर्स मिल जाएगा, पैराक्योर है, एमोलॉक है, तो अलग अलग आपको इसमें प्लांट फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे। मेला फिक्स है, स्ट्रेस कोट प्लस है, फिर ये पीएच डाउन का भी है, फिर क्विक स्टार्ट है, जो आप अपने स्टार्टिंग जो टैंक ये करना है, साइकिलिंग करना है तभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर CO2 बूस्टर्स है इसमें, फिर टैप वाटर कंडीशनर भी अवेलेबल है, ये देखिए, फिर स्ट्रेस जाइम है, तो स्मॉल बॉटल्स भी अवेलेबल है और बड़े बॉटल्स भी अवेलेबल है इसमें IPI में। सो यहाँ पे देखिए, ये सब फिश फूड्स है जिसमें सब इंटेंस के है, और ये ट्रॉपिकल का डिस्कस ग्रेन D50+ है, जो कलरेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको स्मॉल बॉटल्स और बड़े बॉटल्स मिल जाएंगे। और ये ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसमें भी अलग अलग ये आते हैं, तो बैक साइड में भी अच्छा खासा स्टॉक है। तो ये बायो पिगमेंट है, फिर प्लस स्पिनेज भी है, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। और ये ड्राई सोल्जर ब्लैक लार्वा है, राइट, सो ये भी अवेलेबल है। अरवानाज मॉन्स्टर फिशेस के लिए काम आएंगे। या एंड वी हैव इवन ब्लड वर्म्स ऑफ बिगर साइज, आप देख सकते हो साइज क्या है। तो ये यूनिक एंड क्वालिटी ब्लड वर्म्स बोल सकते हैं, ये भी अवेलेबल है आपके बड़े फिशेस के लिए, जैसे फ्लावर ऑन ऑस्कर, सेवरम्स, जिनको छोटे ब्लड वर्म्स बहुत कम लगते हैं, तो दिस इज द ऑप्शन। अच्छी खासी क्वालिटी एंड रेट में आपको मेरे इधर मिल जाएंगे। So, ये भी एक यूनिक है। फिर AHM का है, आजू के भी आपको मिल जाएंगे। और एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक्वाफिन के भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें स्पिरुलिना फ्लेक से रेड फ्लेक है, फ्लेक्स फूड भी मिल जाएंगे। आजूस के भी माइक्रो वैरायटी में मिल जाएंगे, कार्निवरस ये भी मिल जाएंगे, या जंबो स्टिक से कार्निवरस के ये मिल जाएंगे। और ये पूरा एक्वेटिक वेंचर्स का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो एक्वाक्योर है, और ये एलिगेट्रीट्स है। सो देयर आर मेनी रेंजेस, इफ यू सी, ये पूरे वैरायटी काम की चीजें हैं। आप आओगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है या किस चीज के लिए क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं दे दूंगा आपको, या आप भी रिसर्च करके आ सकते हो। लेकिन हर चीज आपको एक्वाटिक वेंचर्स की मिल जाएगी हमारे इधर, फूड से लेके लिक्विड से लेके ट्रीट से लेके सब। ओके, एंड देन रीडॉल भी है हमारे पास, रीडॉल की 4-5 वैरायटी है, जनरल एड, एंटी क्लोरीन, एंटी ईक, एंटी फंगस। उसके बाद में आजू के प्रोडक्ट्स भी है, लिक्विड्स में क्लाउडी अगर हो रहा है पानी उसके लिए, रेड प्लांट्स है उसके लिए, इजी स्टार्टर, प्लांट मैजिक, कार्बन प्लस, एक्वास्केपिंग ग्लू मिल जाता है, तो हमारे पास एक्वास्केपिंग ग्लू भी अवेलेबल है। इतनी क्वांटिटी आपको मिल जाती है, सिंगल पीस आपको 150 रुपीज में मिल जाता है, अगर आप दो लेते हो तो 100 रुपीज पर पीस में मिल जाएगा। ओके, एंड देन दिस इज स्ट्रीम फूड फ्रॉम EBI, कबाड़ी इज द ब्रांड। और ये स्ट्रीम ट्रीट्स रहते हैं, ये भी मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को देता हूँ जो स्ट्रीम्स लेते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स टू मेंटेन द कलर ऑफ द स्ट्रीम्स। उसके बाद में एक्वेटिक वेंचर्स के बग्स पैलेट है, ये भी बहुत फेमस है फॉर अल्बिनो, हेकली, रेनबोज, कॉन्गो टेट्रा। ओके, एंड देन इसका एक्वेटिक वेंचर्स का अल्टीमिया क्यूब भी बहुत फेमस है, क्योंकि अल्टीमिया क्यूब्स कोई ब्रांड नहीं निकल रहा है, तो ये आप दे सकते हो डिस्कस के लिए, आपके टेट्रा वैरायटी के लिए बहुत अच्छा कलरेशन दिखाएगा आपका फिशेस। ओके ओके, तो ये बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे एक्वेटिक वेंचर्स के फूड्स भी है और प्लांट फर्टिलाइजर्स भी है यहाँ पे, लिक्विड्स भी है, प्लांट फर्टिलाइजर है, इक्योर मेडिसिन, स्विम का मिनरल, पीएच अप, पीएच डाउन, ऑल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। देन रॉयल इज द ब्रांड, दिस इज ऑल्सो गुड प्रोडक्ट, मैं अपने ऑस्कर्स के क्लाइंट को ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ, इट हेल्प्स यू मेंटेन द कलरेशन ऑफ द दिस रॉयल। बेटा का भी फूड है, गप्पी का भी फूड है, एंड देन वी हैव कूलिंग फैन एज वेल। बहुत से लोग ढूंढते रहते हैं कि कूलिंग फैन फॉर स्मॉलर साइज फॉर प्लांटेशन टैंक, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, ये भी अच्छा है। एंड देन यू हैव मरमैन के प्रोडक्ट्स, मरमैन भी बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, मिथिलीन ब्लू से लेके बेबी बाइट्स है, कॉपर सल्फेट, कॉफरीन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आप अगर आते हो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, आप विजिट करो, बहुत अच्छा मैं आपको ऑफर्स एज वेल एज रेट्स दूंगा। एंड देन वी हैव अदर मेडिसिंस एज वेल फॉर फ्लावर ऑन फॉर अरवाना, एंटी वर्म दिस इज कॉल्ड डीवर्मिंग फ्रॉम अरवाना, ये भी है, ये भी अवेलेबल है।
एंड देन इफ यू कम एट द बॉटम ये आपको रिलीविंग स्ट्रेस रिलीविंग सॉल्ट मिल जाएगा एक्वेरियम सॉल्ट. तो नाउ मेनी पीपल से हम लोग रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, वाई शुड वी यूज दिस थिंग. तो ये आपका बहुत से अलग प्रॉपर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है एज कम्पेयर टू रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट आपका बस सैलिनिटी बढ़ाएगा बट देन दिस हेल्प्स टू ऑल्सो इरेज मोस्ट ऑफ द मेटल्स विच आर हार्मफुल फॉर फिशेस. ओके. और ये हाँ हिपोस्टिक सब भी आपको मिल जाएंगे मेरे इधर. हाँ. जो एंटी क्लोरिंग की काम करते हैं एंड देन वी हैव बायोमीडियाज ऑफ डिफरेंट टाइप. सिरेमिक रिंग्स में भी आपको चार पांच वैरायटी है. दिस इज पोरस सिरेमिक रिंग, दिस एज वेल पोरस बट देन दिस इज मेड फ्रॉम लावा रॉक. ओके. एंड देन दिस आर बिगर साइज ऑफ देन अगर स्मॉल वैरायटी स्मॉल फिशेस के टैंक्स के लिए चाहिए तो ये, तो ये है बॉल्स बोल सकते हैं. देन वी हैव ऑल्सो बायो बॉल्स. ओके. तो ऑल टाइप ऑफ बायोमीडिया इज ऑल्सो अवेलेबल. तो आपको कुछ भी चाहिए या कुछ और रिक्वायरमेंट है इसके अलावा आप मुझे टेक्स्ट करो, आई विल मेक श्योर कि आपको अरेंज होके मिल जाएगी. पर मोस्टली आपको सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए. ए टू जेड सब मिल जाएगा. राइट. तो हमारा और एक ड्राई का सेक्शन है मैं जो हम लोग अभी वीडियो में दिखाएंगे जिसमें लाइट्स फिल्टर नेट्स अवेलेबल है. हाँ. तो दिस आर टॉप फिल्टर का सेक्शन. Yeah. हर एक साइज के 5 फीट से लेके 1.5 फीट तक का टॉप फिल्टर हमारे पास अवेलेबल है. दिस इज द स्मॉलेस्ट टॉप फिल्टर. ये 1 फीट तक रहेगा. ये 1 फीट या 1.5 फीट के लिए जिसको टॉप फिल्टर यूज करने का प्लानिंग है ये भी मिल जाएगा आपको मेरे इधर. और ये 2 फीट तक है. ये 2 फीट एंड देन वी हैव 3 फीट 4 फीट एंड दिस इज ऑल्सो 5 फीट. ओके. तो ब्लू पेट के भी है, सोबो की अवेलेबल है. एंड देन वी हैव इंटरनल फिल्टर्स बिगर साइज में भी है. सोबोस के है, डॉफिन के है. ये डॉफिन्स के है यहाँ पे. देन वी हैव विनस, विनस एक्वा जो इंटरनल फिल्टर्स है ये बड़े साइज के है. ये 40 वाट का है ये. तो सब जो भी क्वालिटी आप चाहो आपको मिल जाएगा. ज़ीलॉन्ग इज आल्सो अ ब्रांड जो लोग ढूंढते रहते हैं. तो ये भी बहुत बड़ा फिल्टर है ये ज़ीलॉन्ग का. ये भी 40 वाट्स का है, ऑलमोस्ट 2 फीट तक का है ये. और यहाँ पे ये सब लाइट्स है सोबो के. ये ब्रैकेट लाइट्स है सोबो के जो ब्रैकेट का सेटअप करना चाहते हैं. दिस आर नॉर्मल ब्लू पेट का लाइट्स मल्टी कलर में. वी आल्सो हैव अनदर ब्रांड कॉल्ड रॉक्सिन टीएन, यू कैन से टीएनटी. तो दिस इज आल्सो वन ब्रांड जो जिसके लाइट्स अवेलेबल है. जिसको थोड़ा चीपर साइड में लाइट चाहिए वो भी लाइट्स हमारे पास अवेलेबल है. एंड देयर इज आल्सो रॉक्सिन ये ब्रांड है, इसके भी लाइट्स हमारे पास. एक्वेरियम अंडर वाटर लाइट्स मतलब आप पानी के अंदर भी डालोगे तो भी देर इज नो करंट लॉस या कुछ प्रॉब्लम जिससे आपका करंट लग सकता है. अच्छा. एंड देन ऑल साइज ऑफ नेट्स, फिश नेट आपको छोटी से लेके डेफनी नेट से लेके सब नेट आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ पे. मतलब इन अ सिंगल शॉप यू विल फाइंड एवरीथिंग. ये बर्ड फीडर्स है, ये बर्ड दाना पानी जिसे बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो 4 आउटलेट का ऑक्सीजन मशीन विच इज सुपर साइलेंट. तो जो लोग 10 टैंक चला रहे हैं घर पे, जिनको चाहिए कि मुझे आवाज बहुत है आवाज कम चाहिए, दिस इज द ऑप्शन. तो ये आप 10 टैंक भी चला सकते हो, इससे 4 टैंक भी चला सकते हो, इट्स योर कॉल. बट बहुत साइलेंट है मशीन एंड इट इज अवेलेबल. इसका रेट आपको 1800 रुपए में मिल जाएगा मेरे इधर. अच्छा 1800 तक. राइट. और कुछ यहाँ पे वापस फूड रखे हुए हैं और ये सब टैंक्स नॉर्मल जो ग्लास है उसमें बनाया हुआ है. राइट. तो ये थोड़ा सा शैलो जैसा टैंक है. शैलो टैंक है. क्यूब्स भी मिल जाएंगे आपको. या देन ये 1.5 फीट का है. ये 2 फीट का है. तो रेडी में 1.5 फीट 2 फीट 1 फीट आपको पूरा मिल जाएगा. अगर 3 फीट और 3 फीट के ऊपर चाहिए आपको तो ऑर्डर पे बनाना पड़ता है बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन आपको विड्थ और हाइट कितनी चाहिए. क्योंकि किसी किसी को 3 18 15 चाहिए रहता है, किसी किसी को 3 18 18. तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से बना के देंगे. सो A1 के भी यहाँ पे टैंक्स है, 2 फीट के भी है इसमें अवेलेबल. या 1.5 फीट से लेके 2 फीट से लेके 18 इंच में भी आ जाएंगे. दिस इज ज़ीलॉन्ग का 1000G. ये आपको अराउंड 100 cm का लेंथ है इसका. लाइट फिल्टर एंड टच पैनल आ जाएगा इसमें. अच्छा. इट ऑल्सो हैज टच पैनल क्वालिटी वगैरह, मतलब जिससे आप लाइट का डिमनेस कंट्रोल कर सकते हो. ऑल्सो इट हैज डिजिटल डिस्प्ले ऑफ टेम्परेचर. Okay. तो टेम्परेचर भी आपको इंडिकेट करता है कितना टेम्परेचर है. एंड देन दिस इज ऑल्सो ज़ीलॉन्ग टैंक. ये आपका अराउंड आपको मिल जाएगा ये 3 फीट. अच्छा 3 फीट मतलब 33 इंच रहेगा, 80 cm रहेगा. एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग विथ ऑल लाइट फिल्टर कवर. ओके. ज़ीलॉन्ग्स के टैंक्स बहुत चल रहे हैं रीजन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द टैंक.
क्वालिटी ऑफ द टैंक एज वेल एज ग्लास, इसका ग्लास बहुत अच्छा है एंड स्पेस ऑफ द विड्थ तो ये भी बहुत अच्छा है. देन वी हैव टर्टल ट्रेस, जिनको टर्टल ट्रेस चाहिए तो इसमें ये ब्लैक में है, कवर इनके ऐसे पिंकिश है, पिंक में है, इनके हेक्सागोन डिजाइन दिए ताकि एरिएशन अच्छा हो टर्टल का. हाँ. तो ये नया वैरायटी है, इसमें आपको फिल्ट्रेशन वाला भी वैरायटी आ जाता है. अगर फिल्ट्रेशन आप अलग से लेना चाहते हो तो हम लोग ने आपको पहले बताया, वो फिल्टर आप लगा सकते हो इसमें. ये अराउंड 2 फीट तक रहेगा, राइट 2 फीट का है ये. या और कुछ स्मॉल साइज के भी यहाँ पे है टर्टल ड्रेस, ये देखिए. तो इसमें छोटे भी है 1 फीट से लेके, और ये थोड़ा सा 1.5 फीट तक रहेगा. और ये ऐसे एक्वास्केप के टैंक्स है जो मोल्डेड वाले हैं, जो स्मॉल साइज सबसे 8 इंच 10 इंच रहेगा, राइट 8 इंच से लेके आप 12 इंच तक है. हाँ. इसमें और आप बॉटम में देखोगे तो ये 2 फीट से लेके 1 फीट तक है. ओके, हर एक साइज में है, सेंटीमीटर साइजेस आपको इधर लिखे गए हैं. या या आप आओ देखो आपको कौन सी साइज सुटेबल है. हाँ. बहुत अच्छा क्लियरिटी है, कर्व आ जाता है इसमें, देयर इज नो जॉइंट, सिंगल पीस में है, 3 पीस एंड देन 2 टैंक्स 2 ग्लास नीचे से और पीछे से चिपकाए हुए है. इम्पोर्टेड है, टैंक्स कंपनी में बनाए जाते हैं तो इट इज नॉट लाइक लीक का चांस है. बहुत अच्छा है, जो नॉर्मल ग्लास से हटके करना चाहते हैं लेकिन एक्वास्केप भी करना चाहते हैं इसलिए उनको ढक्कन नहीं चाहिए तो दिस इज द ऑप्शन. या या इसके लाइट्स वगैरह सब अवेलेबल है, हर एक साइज के लाइट्स भी अवेलेबल है, फिल्टर भी अवेलेबल है, आपने देखे होंगे. हाँ. वी हैव बर्ड केजेस हर एक साइज के, 1 फीट से लेके 1.5 फीट से लेके 2 फीट तक हमारे पास सब केजेस के साइज अवेलेबल है. ओके. जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी बर्ड केज की हम लोग आपको दे देंगे. ओके ओके, तो ये भी अच्छा है एक्वास्केपिंग के लिए ये टैंक. और सबसे बड़ा वाला ये ऑलमोस्ट 1.5 फीट रहेगा, राइट 50 सेंटीमीटर. ओके ओके, 1.5 फीट से थोड़ा ज्यादा. हाँ. तो ये ऐसे सिलिकॉन पाइप भी मिल जाएंगे जो एकदम सॉफ्ट वाले होते हैं, ये फ्लोरोसेंट कलर के है जो, ये देखिए. और नॉर्मल वाले तो अवेलेबल है ही. सो जब भी आप आओगे तो ये इनका जो मेन टेबल है वहाँ पे ही आपको ये सब देखने मिल जाएगा. सो ये भी थोड़े से अलग अलग कलर्स के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और कुछ टॉयज भी है इसमें, ये देखिए. तो ये देखिए कैसा ब्यूटीफुल था, ये शोपीस है लायन का. और ये जो टैंक है ये अराउंड 15 इंच का टैंक है. सो ऐसे अलग अलग यूनिक शोपीसेस भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे आप जब भी आओगे. और ये अच्छे से ऐसे लाइट्स भी है जो यहाँ पे अवेलेबल है. फिलहाल ये वाला लाइट जो है ये कितना फिट करेगा, 3 फिट, ये 4 फिट का. अच्छा 4 फिट का, मतलब आपके 4 फिट के टैंक में भी बैठ सकता है एंड द लाइट आपका अप्रोक्स 47 इंचेस है. ओके ओके, तो ये अभी आप देख सकते हो मैंने सीलिंग से लटका के फॉर दिस बाउल का सेक्शन पे लाइट आ जाए इसलिए मैंने ये हैंग ऑन किया है जिससे ये पूरा एरिया इल्यूमिनेट होता है. या या, और इसको ये साइड में ही ऐसा लाइट का है ऑन ऑफ का, ये देखिए यहाँ पे. तो काफी आपको यूनिक से लाइट्स एक्सेसरीज यहाँ पे देखने मिलेंगे. सो जल्दी से आप विजिट करके देखिए, और बहुत से यूनिक से आपको फीचर्स भी देखने मिलेंगे यहाँ पे. सो फ्रेंड्स, ये था एटी एक्वेटिक्स फ्रॉम ठाणे ईस्ट. आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपको कौन से फीचर्स और क्या पसंद आया यहाँ पे वो भी मुझे बताइए कमेंट करके. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में.